Hi everyone, welcome back to the new lecture. तो आज वो लेक्चर आ चुका है जिसका तुम्हें काफी टाइम से इंतजार था. बहुत सारे मुझे कमेंट्स आ रहे थे कि भैया ग्रुप थ्योरी स्टार्ट करो, ग्रुप थ्योरी स्टार्ट करो. तो फाइनली हम आज ग्रुप थ्योरी स्टार्ट करने वाले हैं. सारे के सारे टॉपिक्स एक सिंगल वीडियो में करने वाले हैं. लेंथ मैटर नहीं करती हमारे यहाँ पे मंजिल सीरीज में, बट सारा कॉन्टेंट मैटर करता है कि एक वीडियो में आ जाए. आज ट्राई करेंगे सारा का सारा कॉन्टेंट दे दें. मैं तुम्हें एक बात बस कहना चाहूंगा, ज्यादा बड़ा इंट्रो नहीं रखते हैं आज का, क्योंकि पहले मैंने इतना वेट करा और ऊपर से भाषण देना स्टार्ट हो जाऊंगा, अच्छी बात नहीं है. तो यहां पे ना ग्रुप थ्योरी में यार इसको ना मैं दो पार्ट में रखने वाला हूं. एक होगा पार्ट वन और एक होगा पार्ट टू. रीजन क्या भैया, आप इसको दो पार्ट में क्यों रख रहे हो? क्योंकि ना इस वीडियो में मैं तुम्हें सारे के सारे कॉन्सेप्ट्स बताने वाला हूं. अब मैं यहाँ पे डिटेल में नहीं कराने वाला हूँ कुछ प्रूफ वगैरह, वो सारों के लिए मैंने अलग वीडियो बना रखे सेपरेट. पूरा कोर्स कंप्लीट है ग्रुप थ्योरी का. यहां पे मैं सारे कॉन्सेप्ट्स बताने वाला हूं. सेकंड पार्ट में हम हर एक टॉपिक के क्वेश्चंस लेने वाले हैं. हर एक टॉपिक के क्वेश्चन लेने, एक टॉपिक नहीं छोड़ूंगा मैं क्वेश्चंस का. आज की वीडियो में हमारा गोल रहेगा कॉन्सेप्ट पे, ठीक है? इस चीज का ध्यान रखेंगे. बढ़िया भैया, बहुत अच्छे. अब एक वीडियो में क्यों नहीं बना रहे भैया आप? थोड़ी बड़ी और कर दो, एक ही वीडियो में कॉन्सेप्ट भी डाल दो, क्वेश्चन भी. चक्कर पता क्या यार, मैं थोड़ा सा समझाना चाहूंगा, बस एक मिनट लूंगा तुम्हारा. एक्चुअल में क्या है, यहां पर जो मैं स्टार्टिंग में क्वेश्चंस कराऊंगा ना, वो बाद वाले टॉपिक से लिंक हो जाएंगे. अब मैं तुम्हें स्टार्टिंग में ग्रुप्स पढ़ाने वाला हूं कि 10 तरह के स्टैंडर्ड ग्रुप्स हैं जो हमें पढ़ने हैं. अब वो बाद में जाएंगे तो उसमें सब ग्रुप्स भी आ जाएंगे, ऑर्डर ऑफ एन एलिमेंट भी आ जाएगा, फिर घूम फिर के आइसोमॉर्फिज्म भी मेरे को पढ़ाना पड़ जाएगा, होमोमॉर्फिज्म पढ़ाना पड़ जाएगा. साइलो थ्योरम तो डायरेक्टली नहीं है, बट हाँ साइलो थ्योरम भी आज मैं बताने वाला हूं. इतनी सारी चीजें भैया हम कैसे लिंक कर पाएंगे? मतलब मैं अगर फर्स्ट तुम्हें 10 टाइप के ग्रुप कराऊंगा उसी में आइसोमॉर्फिज्म आ जाएगा, वो तुम सीखेंगे नहीं स्टार्टिंग में. तो भैया सॉल्यूशन बताओ क्या है. सॉल्यूशन ये है, ये वाली जो वीडियो होने वाली है ये मेरे लिए भी और तुम्हारे लिए भी. मेरे को भी कभी फ्यूचर में रिवाइज करनी पड़ेगी ग्रुप थ्योरी, मैं भी यही वीडियो देखूंगा अपनी. इसीलिए आज की वीडियो से नोट्स, नोटबुक पेन निकाल लो, नोट्स बनाने स्टार्ट कर दो. और भैया इतने खतरनाक से नोट्स बना लो और उसको 5 से 6 बार रिवाइज करना, तब जाना सेकंड पार्ट पे. मजा आ जाएगा तुम्हें क्वेश्चंस करके. प्रीवियस ईयर जैम के सारे करा देंगे. ट्राई करूंगा हायर जो जितने भी एग्जाम है उनके भी बीच बीच में डाल दूं तुम्हें बिना बताए, तो वो सारी चीजें करने वाले हैं. क्योंकि मैं एक भी टॉपिक नहीं छोड़ना चाहता तो मैं सारे टॉपिक्स लिख के लाया हूं, ठीक है? तो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर. यू नो माय नेम इज राजन चोपड़ा. आज का टॉपिक रहने वाला है ग्रुप थ्योरी इन वन शॉट. और हम मंजिल सीरीज में पढ़ रहे हैं, मतलब एक लेक्चर में सारे टॉपिक्स करने की ट्राई करते हैं. ट्राई का करते हैं, कर ही रहे अभी तक. तो 10 टाइप के हमारे पास इन टोटल ग्रुप है जो हमें पढ़ने. कौन कौन से ग्रुप है भैया वो तो मैं एक बार ग्रुप का बता देता हूं कि कौन कौन से ग्रुप हमें पढ़ने होते हैं. सबसे पहला SN. SN क्या होता है भैया? सिमेट्रिक. उसके बाद आता है AN, अल्टरनेटिंग ग्रुप, ठीक है? इसको अभी मैं बताता हूं कि ग्रुप कैसे कैसे, ज्यादा डीप नहीं जाएंगे अभी, कॉन्सेप्ट समझेंगे, बट हाँ थोड़ा थोड़ा बता दूंगा. उसके बाद आता है ZN ग्रुप, इसे कहते हैं मॉडुलो ग्रुप. ये दो होते हैं, एक एडिशन मॉडुलो, एक मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो, तो ये ध्यान रखेंगे. एक हमारे पास आता है क्वाट्रीनियन ग्रुप. क्या होता है? इसमें 8 एलिमेंट्स होने वाले. कौन से होंगे भी बताऊंगा, एक एक करके डिटेल में पढ़ेंगे फिर इसे. एक हमारे पास होता है K4, इसे क्लाइन ग्रुप भी कहते हैं. नेक्स्ट हमारे पास यूनिटरी ग्रुप होता है. यूनिटरी ग्रुप क्या होता है भैया? यूनिटरी ग्रुप अब हम ऐसे समझ सकते हैं कि अगर कोई भी नंबर है तो उसके कितने, उस नंबर या उससे छोटे कितने को प्राइम है उसके, उसे कहते हैं यूनिटरी. वो मतलब सारे एलिमेंट्स यूनिटरी में आएंगे. समझ नहीं आया भैया? अरे बताएंगे ना, घबरा क्यों रहे, बताएंगे अभी. उसके बाद आता है डिहेड्रल ग्रुप. ये भैया सबसे जनरल वाला यही है, मतलब ये और ये तो ढेर डिटेल में पढ़ने हैं, इसके क्वेश्चन आते हैं बहुत सारे वो भी, ठीक है? उसके बाद कौन सा आता है? इसके बाद आता है जनरल लीनियर ग्रुप, जिसमें ऑर्डर ऑफ मतलब मैट्रिसेस पे आ जाएंगे हम, मैट्रिसेस स्पेस पे आ जाएंगे. मैट्रिक्स में एन क्या होगा? ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स. और एफ क्या होगा? फील्ड, जिसमें से एलिमेंट्स को लेना. भैया ग्रुप तो पढ़ाया नहीं, आप फील्ड पे चले गए. अरे भैया इसमें जरूरत नहीं पड़ेगी, परेशान मत हो. उसके बाद हमारे पास आता है स्टैंडर्ड लीनियर. यह हमारे पास सेम, मैं इसी का एक सबसेट समान लो तुम, ये हो गए हमारे पास. उसके बाद लास्ट हमारे पास आता है G1 क्रॉस G2. ये क्या भैया? दिस इज कॉल्ड एक्सटर्नल डायरेक्ट प्रोडक्ट, EDP. अब ये क्या होता है, इस पर मैंने डिटेल में खतरनाक वीडियो बना रखी, YouTube पे सर्च कर लेना, मजा आ जाएगा. कोई भी वीडियो देख लेना उससे कंपेयर करके. ये वाली वीडियो एक्सटर्नल डायरेक्ट प्रोडक्ट, आज फिर भी मैं तुम्हें थोड़ा सा उसके बारे में बता दूंगा, बट ठीक है. अब पहले ग्रुप पे अपने चलते हैं. सबसे पहला कौन सा लेने वाला हूं मैं? ZN लेने वाला हूं. भैया ZN क्या होता है? ZN हमारे पास एक ऐसा ग्रुप है, इसके पहले तो दो ऑपरेशन होंगे. एक तो हमारे पास एडिशन मॉडुलो n वाला होता है, एक होता है मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो n. इसको ऐसे भी डिनोट करते हैं,
ठीक है, जैसे तुम्हारी इच्छा हो वैसे डिनोट कर लो। मतलब क्या भैया, मतलब मेरा ये है, जैसे मान लो मैं यहां लिखूं फोर लिख दिया फॉर एग्जाम्पल मैंने, तो अगर मैं किसी भी दो नंबर को लूं, किसी भी दो इंटीजर को लूं, उनको ऐड करूं एडिशन के रिस्पेक्ट में, उनको ऐड करूं और फोर से डिवाइड कर दूं, तो क्या क्या पॉसिबल रिमाइंडर आ सकते हैं? तो अगर मैं ए प्लस ऐसा कुछ करूं तो क्या क्या पॉसिबल रिमाइंडर आ सकते हैं, वो हमारे पास इस ग्रुप के अंदर, मतलब इस सेट के अंदर आ जाएंगे। अभी तो सेट ही बात कर रहे हैं, ग्रुप पर पहुंचे नहीं है, इस सेट के अंदर वो आ जाएंगे। ठीक है भैया, ऐसे कौन कौन से होने वाले हैं? तो जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर मैं 15 और 5 कितना होता है 20, 20 को 4 से करोगे जीरो रिमाइंडर, रिमाइंडर जीरो आ गया। ऐसे ही 15 को 6 से करना जरा एक बार, तो 21 को 4 से करोगे रिमाइंडर बचेगा 1। तो भैया क्या पॉसिबल रिमाइंडर हो सकते हैं इसके? हो सकता है 0, 1, 2, 3, ये पॉसिबल रिमाइंडर। ठीक है, ऐसे ही मल्टीप्लीकेशन में भी होगा सेम। तो यहां पे r की वैल्यू कहां से कहां वेरी कर सकती है, मैं इसको जनरल लिख देता हूं n, r की वैल्यू कहां से कहां वेरी कर सकती है 0, 1, 2 up to so on n-1 तक। बस इस चीज का ध्यान रखना, दिस इज, ये जो हमारे पास एक सेट बनेगा, आगे जाके हम इसको ग्रुप थ्योरी के साथ मिक्स करेंगे। अभी तो मैं तुम्हें सेट बता रहा हूं कि 10 तरह के मेन चीजें हमारे पास होने वाली है, और इसे पढ़ लिया ग्रुप थ्योरी खत्म है। बस इसी के बाकी ऑपरेशंस लगा लगा के, इन्हीं के होमोमोरफिज्म, सब ग्रुप और ऑर्डर ऑफ एन एलिमेंट, ऑर्डर ऑफ ग्रुप, यही सारी चीजें आती रहेंगी बार बार। ठीक है, बढ़िया, तो ये हमारे पास था। अब मैं इसमें ऑर्डर अभी नहीं घुसाना चाहूंगा, अभी के लिए तुम ये समझ लो कि ऐसी एक चीज होती है जिसमें अगर दो नंबर को प्लस करो उसको डिवाइड करो एन से, तो ऐसा लिखते हैं। ठीक है भैया, बढ़िया, नेक्स्ट पे चलते हैं, मैं सारी डेफिनेशंस लिखवाना चाहूंगा। नेक्स्ट हमारे पास आ रहा है यूनिटरी ग्रुप, लिखो यूनिटरी ग्रुप। तो यूएन के बारे में बात करने वाले हैं, सारी मैं बढ़िया सी डेफिनेशन तुम्हें लिखवा देता हूं ताकि तुम्हें भागना ना पड़े इधर उधर। ठीक है, यूनिटरी ग्रुप, यूनिटरी ग्रुप, ये यूनिटरी ग्रुप क्या होता है भैया, इसको यूएन से डिनोट करेंगे। और यूएन हमारे पास बाय डेफिनेशन क्या होता है, ऐसे एलिमेंट्स हमें लेने हैं, ऐसे एक्स बिलोंग्स टू इंटीजर हमें लेने हैं जिनका जीसीडी, जिनका जीसीडी एन के साथ क्या है, जीसीडी ऑफ एक्स एन इज इक्वल टू क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए। बस इस चीज का ध्यान रखना, बस इतनी सी बात थी, यही था भैया, और कुछ नहीं है इसमें। और एक्स क्या है, एन या एन से छोटा, जैसे भैया एग्जांपल बता सकते बता सकते हैं, U10 बताओ भैया, U10 में ऐसे नंबर बताओ जो 10 के कोप्राइम हो, जिनका 10 के साथ GCD क्या है, GCD मतलब ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर क्या है, 1 है। तो बताओ इनका क्या आ जाएगा, सबसे पहला तो हमारे पास आ जाएगा 1, 3, 4 भी नहीं आएगा, 5 भी नहीं आएगा, 6 भी नहीं आएगा, 7 और एक आ जाएगा 9। तो आ गए, लो ये नंबर आ गए हमारे पास। ठीक है, ये नंबर आ गए, ये नंबर ऐसे नंबर्स हैं जिनका 10 के साथ जीसीडी क्या आने वाला है, 1 आने वाला है, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर क्या आएगा, 1 आएगा। बस इतनी सी बात थी जो मेरे को तुम्हें बतानी थी। ठीक है, मैंने यहां पे इक्वल लिख दिया, छोटा ही होता है आंसर। ठीक है, इस चीज का थोड़ा सा ध्यान रख लेना, और इसको थोड़ा सा मॉडिफाई कर लेते हैं, 1 से बड़ा होगा। ठीक है, 1 के इक्वल हो सकता है, n से छोटा होगा, ये चीज ध्यान रखनी, दिस इज द डेफिनेशन। लेकिन भैया इसमें कोई शॉर्ट ट्रिक भी बताओ ना, वैसे तो देखो मैंने हर टॉपिक पे एक एक पूरा डेडिकेटेड लेक्चर बना रखा है, लेकिन फिर भी अगर तुम्हें वो लेक्चर नहीं देखना है, एक ओवरव्यू सा लेना है, अगर वो लेक्चर देख के आ चुके हो तो मैं ओवरव्यू सा दे रहा हूं। इसी फंक्शन को हम नंबर थ्योरी में कहते हैं फाई ऑफ एन, इसे ऑयलर फाई फंक्शन कहते हैं, ऑयलर्स फाई फंक्शन। अब भैया इसका क्या फायदा, ऑयलर फाई फंक्शन का इसका सबसे बड़ा ये फायदा कि हमें इसकी बहुत सारी प्रॉपर्टीज पता है, हमें इसकी बहुत सारी प्रॉपर्टीज पता है। जैसे सबसे पहली प्रॉपर्टी तो मैं यही बताना चाहूंगा, मान लो तुम्हें फाई फाई पी रेस्ट पार एन है, अब तुम यहां पे कैलकुलेट करो यू एन, मान लो तुम्हें मैंने दे दिया यू ऑफ 1000 निकालो, तो तुम करके देखोगे क्या, अच्छा ये वाला नंबर, हाँ 1000 के कोप्राइम, ये वाला 1000 के कोप्राइम, ये वाला 1000। अरे भैया 3 घंटे कम पड़ जाएंगे एक ही क्वेश्चन पे, तो क्या करें। तो यूनिटरी ग्रुप की प्रॉपर्टीज याद रखो, फाई फंक्शन और यूनिटरी फंक्शन एक ही बात है, ये ग्रुप थ्योरी में यूज होता है, ये नंबर थ्योरी में यूज होता है, बस इतना सही फर्क है। ये हमारे पास क्या आ जाएगा, पी की पावर एन माइनस पी की पावर एन माइनस 1, बस इतना सा फॉर्मूला याद नहीं रख सकते तुम, हो जाएगा यार याद, बढ़िया भैया कर लेंगे हम तो। अच्छा एक और चीज ध्यान रखो, मान लो तुम्हें फाई ऑफ पी1 पी2 दिया हो, जहां पे पी
P क्या है? प्राइम नंबर, और ये दोनों प्राइम नंबर अलग अलग है, तो तुम इसको लिख सकते हो phi of P1, phi of P2, इस चीज का ध्यान रखना पड़ेगा। बढ़िया, बस एक चीज ध्यान रखना, ये P1 और P2 जो है हमारे पास, GCD of P1 P2 is 1, इन दोनों में को मतलब अलग अलग प्राइम होने चाहिए, बस इस चीज का ध्यान रख लो। अगर मैं तुम्हें एक और इसकी प्रॉपर्टी बताना चाहूं तो वो यह है हमारे पास, भैया अगर आप इसके क्वेश्चन नहीं कराओगे तो मजा कैसे आएगा? अरे भैया मैंने क्या कहा, नेक्स्ट वीडियो क्वेश्चंस पे ही होने वाली है, पार्ट टू, पार्ट टू, ठीक है? ये हमारे पास आ जाएगा 1/2 फाई ऑफ एन, ठीक है? अगर तुम्हें सम करना है सारे के सारे कोप्राइम नंबर्स का, सारे के सारे कोप्राइम नंबर्स का, तो तुम्हारे को उसको सम करने के लिए बस इतनी चीज याद रख लो, इसके साथ एन भी है, एन फाई एन, इतनी चीज याद रख लो, ठीक है? बढ़िया, सम ऑफ पॉजिटिव डिवाइजर्स लिखी लो यहां पे, सम ऑफ पॉजिटिव डिवाइजर्स लेस देन एन, लेस देन एन को प्राइम टू एन, को प्राइम टू एन, इतनी चीज याद रख लो, बस खत्म हो जाएगा, इतनी चीज है भैया। बढ़िया, तो हमारा दूसरा ग्रुप कंप्लीट होता है, तीसरे ग्रुप पे चलते, क्लाइन ग्रुप पे। क्लाइन ग्रुप हमारे पास क्या है उसको भी देख लेते। देखो इसीलिए मैं तुम्हें कह रहा था कि अभी मैं क्वेश्चन नहीं करा पाऊंगा, क्योंकि चीजें हो जाएंगी मिक्स, और वन शॉट लेना तो फिर 250 शॉट लगाने पड़ जाएंगे मुझे अगर एक लेक्चर में इसको सारे को मेरे को कराना पड़ेगा। तो तीसरा लिखो, तीसरा हमारे पास आ रहा है क्लाइन ग्रुप। क्लाइन ग्रुप हमारे पास क्या होता है, इसको K4 से डिनोट करेंगे। क्लाइन ग्रुप हमारे पास बस ये समझ लो एक छोटा पार्ट है, एक छोटा सा पार्ट है डीहेड्रल ग्रुप का, अभी के लिए ये समझ लो, ठीक है? कैसे है, क्यों है, अभी बताएंगे। तो यहां पे K4 कुछ ऐसे रिप्रेजेंट किया जाता है, E A B A B। क्या भैया किसी भी फोर ऑर्डर, नहीं ऑर्डर नहीं अभी बोलूंगा, ठीक है? कुछ नहीं, अभी बताएंगे चीजें धीरे धीरे। ये हमारे पास है, बस यहां पे एक चीज ध्यान रखना, A² = आइडेंटिटी, B² = आइडेंटिटी और AB = BA होगा। अब भैया ये क्या चीज लिख दिया, मैंने इसीलिए कहा था कि दिक्कत होगी स्टार्टिंग में। अब ये A² = आइडेंटिटी, B² = आइडेंटिटी क्या है? आइडेंटिटी का मतलब एक ऐसा एलिमेंट, आइडेंटिटी का मतलब यहां पे A * B लिखा है इक्वल टू आइडेंटिटी, या सॉरी आइडेंटिटी ऐसे लिखेंगे, आइडेंटिटी का मतलब एक ऐसा एलिमेंट जिसको अगर मैं किसी भी एलिमेंट से मल्टीप्लाई करूं तो सेम ही वही नंबर आ जाए। जैसे एडिशन में आइडेंटिटी क्या होती है, जीरो, जीरो को किसी में भी प्लस करो सेम रहता है। मल्टीप्लिकेशन में आइडेंटिटी क्या होती है, वन, वन से मल्टीप्लाई करो तो सेम रहता है, ठीक है? बढ़िया भैया, बहुत अच्छे, यहां तक समझ आ गया, पक्की बात है, चलो आगे चलें। तो ये हमारे पास क्लाइन ग्रुप है जिसमें चार एलिमेंट होने वाले हैं, ये वाले, और इन चारों की प्रॉपर्टीज याद रखना, A² = आइडेंटिटी होता है, B² = BA आइडेंटिटी होता है, AB = BA होगा। एक चीज मैं तुम्हें यहां पे ना छोटी सी बताना चाहूंगा, A² = आइडेंटिटी जितनी भी पावर कर दूं एलिमेंट की और मुझे आइडेंटिटी मिल जाए एलिमेंट की पावर करने पे, जैसे यहां पे 2 पावर पे आइडेंटिटी मिल गई, इस चीज को हम ऑर्डर कहते हैं, जो मैं आगे जाके बताने वाला हूं। इसीलिए मैंने कहा था कि चीजें बहुत ज्यादा मिक्स हो जाने वाली है धीरे धीरे, ठीक है? एक चीज मैं तुम्हें यहां पर बताना चाहूंगा कि यहां पर ना तीन चीजें याद रख लो, तीन चीजें याद रख लो। एक S3 इज आइसोमोर्फिक टू D3। अब भैया ये आइसोमोर्फिक क्या होता है, अभी के लिए लिख लो यार, मैं कह रहा हूं ना, मेरे पे विश्वास रखो, अभी के लिए लिख लो, सारी चीजें एक बार क्लियर हो जाएंगी, मैं आगे जाके इनको लिंक करूंगा चीजों को, ठीक है? लेकिन लिखवाना यहां जरूरी है। S3 इज आइसोमोर्फिक टू दिस, K4 इज आइसोमोर्फिक टू D2, थर्ड है U12 इज आइसोमोर्फिक टू K4 एंड D2 एंड U8। U12 अभी पीछे गया था ना भाई, वाला 1 आएगा इसमें, वो U12 में अभी बताए थे ना एलिमेंट्स, मतलब एलिमेंट तो नहीं बताए, 1 आएगा इसमें, 2, 3, 4 नहीं आ सकता, 5 आएगा, 6 नहीं आ सकता, 7 आएगा, 8 नहीं आ सकता, 9 नहीं आ सकता, 10 भी नहीं आ सकता, 11 आएगा, ऐसे बताए थे ना, वही वाले आएंगे, ठीक है? इसके को प्राइम नंबर ढूंढने होते हैं जिनका इसके साथ GCD 1 आए। तो ये वाला ग्रुप और ये K4 वाला ग्रुप दोनों सेम है, इसमें भी 4 एलिमेंट थे, K4 में भी 4 एलिमेंट है। तो भैया उसमें तो नंबर थे, यहां पे तो ऐसा वो दिख रहे, लेटर्स दिख रहे हैं। यही तुम्हें ग्रुप थ्योरी में बताना है कि रिप्रेजेंटेशन सिर्फ अलग अलग है, उसमें नंबर यूज किए हैं, इसमें एलिमेंट यूज किए हैं, कोई फर्क नहीं है दोनों में,
कोई भी फर्क नहीं है। आगे जाके बताएंगे इनके एलिमेंट्स का जो ऑर्डर था और इनके एलिमेंट्स के जो ऑर्डर तुम्हें दिखाई दे रहे हैं वो सेम है। इसी चीज को आगे जाके आइसोमोर्फिज्म बोलेंगे, ठीक है। तो मैं ज्यादा कंफ्यूज नहीं करूंगा, अभी के लिए लिख लो, धीरे धीरे चीजों को लेयर बाय लेयर ओपन करते रहेंगे। फोर्थ पार्ट लिखो क्लाइन ग्रुप के बाद, क्वाट्रीनियन ग्रुप। अब भैया ये क्वाट्रीनियन ग्रुप क्या होता है? क्वाट्रीनियन मतलब इसमें आठ एलिमेंट्स होने वाले, प्लस माइनस वन, प्लस माइनस आयोटा नहीं आई आई है, प्लस माइनस जे, प्लस माइनस के। जहां पे प्रॉपर्टीज कुछ याद रखनी पड़ेंगी हमें कि अगर मैं आई का स्क्वायर करूंगा तो हमारे पास क्या आएगा, माइनस का वन। अगर मैं जे स्क्वायर करूंगा तो माइनस वन आएगा, के स्क्वायर करूंगा तो माइनस वन आएगा। अब तुम्हें लग रहा होगा कि भैया ये तो वही चीजें हैं जो हमने आयोटा के बारे में पढ़ी हुई है। नहीं, आयोटा नहीं आई है यार, यार ये वन भी एक मैट्रिक्स है टू बाई टू की। ये वन सिर्फ रिप्रेजेंटेशन है, ये वन वो वाला नहीं है जो हम नंबर में पढ़ते हैं वन टू थ्री फोर वाला, ये सिर्फ रिप्रेजेंटेशन है, मैट्रिक्स है एक। ऐसे आई भी एक मैट्रिक्स है, जे भी, के भी, और माइनस वन भी एक मैट्रिक्स है। समझ पा रहे हो, ये मैट्रिक्स रिप्रेजेंट कर रहे हैं नंबर। इतना ज्यादा कंफ्यूज नहीं करूंगा। आई इंटू जे क्या होता है, माइनस जे आई इक्वल टू के, कुछ प्रॉपर्टीज याद रख लो। ऐसे ही जे इंटू के क्या होता है, के जे माइनस के जे, माइनस के जे इक्वल टू आई। ऐसे ही लास्ट हमारे पास के आई, के आई और आई के, के आई इक्वल टू आई के इक्वल टू जे। ये तीन इसके बारे में याद रखनी है चीजें, कभी कभी काम आ जाएंगी। और इसके बारे में एक केले 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 टेबल भी बनाएंगे आगे जाके कि वो केले टेबल क्या होता है, ठीक है। बाकी अगर ज्यादा डिटेल में जाना है, मैं तुम्हें ऑलरेडी बता चुका हूं कि तुम्हें क्या करना है। यूट्यूब पर जाना है, मैथ्सतम टाइप करना है और वहां पर ग्रुप थ्योरी छांट लेना। नेक्स्ट हमारे पास क्या आ जाएगा, नेक्स्ट हमारे पास क्या आ जाएगा, जनरल लीनियर ग्रुप, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास आ रहा है जनरल लीनियर ग्रुप। मैं सिर्फ डेफिनेशन लिखवा के छोड़ रहा हूं, सिर्फ डेफिनेशन लिखवा के छोड़ रहा हूं, ठीक है। इसको ऐसे भी रिप्रेजेंट करते हैं और ऐसे भी रिप्रेजेंट करते हैं, इस चीज का ध्यान रखना होगा। इसमें हमारे पास क्या आ जाएगा, ए इज इक्वल टू ए आई जे एम क्रॉस एन। M क्रॉस N की मैट्रिक्स है, लेकिन इसमें सिर्फ वही मैट्रिक्स आ सकती है जो इनवर्टिबल हो। इनवर्टिबल मैट्रिक्स कौन सी होती है याद है, जिनका डिटरमिनेंट नॉन जीरो। बस खत्म, इतना ही था। और ये AIJ भैया कहां से लोगे, ये फील्ड में से लेंगे। फील्ड मतलब, फील्ड का मतलब है तीन तरह की फील्ड, अभी के लिए याद रखो। सबसे पहली तो हमारे पास आएगी कॉम्प्लेक्स नंबर, मतलब कहां कहां से मैट्रिक्स के एलिमेंट्स ले सकते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर से, रियल नंबर से और रैशनल नंबर से। या फिर एक और भी चीज होती है जिसको कहते हैं जेड पी। भैया ये जेड पी क्या होता है, वो जो अभी तुम्हें सबसे पहले दिखाया था इंटीजर मॉडलो वाला आया था ना, वही है, ठीक है। ऐसी हमारे पास एक और चीज भी है जिसका नाम क्या है, अच्छा इस जनरल लीनियर में एक और बात बताना चाहूंगा। अच्छा, इसको याद कैसे रखेंगे, सेट ऑफ ऑल इनवर्टिबल मैट्रिक्स, इनवर्टिबल मैट्रिक्स। क्या तुम बता सकते हो कितनी इनवर्टिबल मैट्रिक्स होती हैं, अगर मैं फील्ड को लू रियल, अगर मैं फील्ड को लू रियल और ऑर्डर लू एन, कितनी मैट्रिक्स हो सकती है? भैया देर आर इनफाइनाइटली मैनी मैट्रिक्स विच आर इनवर्टिबल, अलग अलग एलिमेंट के लिए अलग अलग मैट्रिक्स आती रहेगी। बिल्कुल सही कह रहे हो, बिल्कुल सही कह रहे हो। लेकिन अगर मैं तुम्हें यही क्वेश्चन पूछूं कि इसके लिए मैट्रिक्स बताओ कितनी पॉसिबल है, तो क्या कहोगे? ये तो फाइनाइट फील्ड है ना, मतलब इसमें तो फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स होते हैं, इसमें तो फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स होते हैं ना, इसके लिए कितना आ जाएगा? तो मैं उसके लिए एक फॉर्मूला लिखवाना चाहूंगा जो कि है पी की पावर एन, पी की पावर एन माइनस वन, पी रेस्ट पावर एन, एन माइनस टू, अप टू सोन, पी रेस्ट पावर एन माइनस पी, सॉरी माइनस, एंड में जाते जाते वन बन जाएगा, ठीक है। जितनी भी यहां पर एन ऑर्डर होगा यहां पर मैट्रिक्स का। दूसरा सुनो, मतलब नेक्स्ट सुनो, स्पेशल लीनियर ग्रुप, स्पेशल लीनियर ग्रुप। स्पेशल लीनियर में किसी का छोटे वाला केस है, बस ऐसे समझ लो। ऐसे इसको डिनोट करेंगे जी एल एन एफ, सॉरी एस एल। ये हमारे पास आ जाएगा ए इज इक्वल टू ए आई जे, ऑर्डर इसका होने वाला एम क्रॉस एन, सॉरी एम क्रॉस एन नहीं होगा यार, ये एन क्रॉस एन होगा, याद रखना एन क्रॉस एन। जहां पर डिटर्मिनेंट इस बार हम कौन सा लेने वाले हैं, वन वाला लेने वाले हैं। तो ये भी हमारे पास एक इंपॉर्टेंट कैटेगरी है,
फिर से चार तरह की फील्ड हो सकती है, कॉम्प्लेक्स, रियल, रैशनल और इंटीजर मॉडल। ठीक है, ये चीज को ध्यान रखेंगे। यहां पे हम डिटरमिनेंट नॉन जीरो लेते हैं, यहां पे नॉन जीरो तो होगा ही, बस उसको वन होना पड़ेगा। ठीक है, तो ये और छोटा स्पेस है, इसमें और कम एलिमेंट्स होने वाले हैं। तो इसका भी भैया कोई अगर आप बता देते हमें, इसका भी अगर आप हमें कोई फॉर्मूला बता देते इसकी तरह कि हमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स निकालने पड़ जाए कभी, वो भी फॉर्मूला है हमारे पास। ठीक है, ये मैंने नंबर ऑफ एलिमेंट्स का बताया, इस पे से मोड लगा लेना, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इसका फॉर्मूला बताया। ठीक है, अगर मैं इसका भी फॉर्मूला बताना चाहूं तो ये आ जाएगा SLN F इज इक्वल टू बस यहां पे हमारे पास फर्क क्या आएगा, सेम वही वाला फॉर्मूला है जो पहले लिखा था हमने, कोई भी फर्क मतलब सेम वही वाला फॉर्मूला है, तो मैं उसको एक और बार लिख देता हूं, PN फील्ड की जगह बस ये वाली फील्ड आ जाएगी। ठीक है, इसी फील्ड के लिए, बाकी के लिए इन्फाइनाइट आएगा आंसर। कॉम्प्लेक्स के लिए, रियल के लिए, रैशनल के लिए आंसर क्या आएगा, इन्फाइनाइट, देयर आर इन्फाइनाइटली मेनी मैट्रिसेस, इसके लिए सिर्फ फाइनाइट आता जो मैं लिख रहा हूं। तो ये बातें छोटी छोटी जो मैं बीच में बताता जा रहा हूं उसको फटाफट नोट कर लो, PN-1 इतनी चीज ध्यान रखो। ठीक है, और पूरे के अपॉन में क्या आएगा, P-1, बस ये हमारे पास इसका, इसको आगे जाके हम बोलेंगे ऑर्डर, ऑर्डर ऑफ ग्रुप। ऑर्डर ऑफ ग्रुप का मतलब होता है नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन अ ग्रुप। मैं यहां लिख देता हूं, तुम भी कहीं साइड में लिख लेना, ऑर्डर ऑफ ग्रुप इज इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन अ ग्रुप इज कॉल्ड ऑर्डर ऑफ अ ग्रुप। ठीक है, इस चीज को फटाफट लिख लो, मैं देखू वीडियो बन रही है ना, हाँ बन रही, चलो आगे चलें। नेक्स्ट हमारे पास अब आ रही है एक चीज जिसका नाम है डाइहेड्रल ग्रुप। नेक्स्ट हमारे पास आ रहा है डाइहेड्रल ग्रुप। ठीक है, वो जो एक्सटर्नल डायरेक्ट प्रोडक्ट है उसको थोड़ी देर में करेंगे, अभी नहीं कर पाएंगे उसे। नेक्स्ट है डाइहेड्रल ग्रुप। अब डाइहेड्रल ग्रुप क्या होते हैं, बस ये समझ लो, अभी हमने K4 लिखा था ना, क्लाइन ग्रुप, उसी के ही फादर साहब है, उसी की एक्सटेंशन है। तो नेक्स्ट हमारे पास आ रहा है डाइहेड्रल ग्रुप, डाइहेड्रल ग्रुप। अब भैया ये डाइहेड्रल ग्रुप क्या होता है, तो डाइहेड्रल ग्रुप को DN से डिनोट करेंगे, इसमें भी एलिमेंट्स वैसे ही होने वाले हैं जैसे मैंने तुम्हें बताए उसमें बताए थे, लेकिन लिखने का तरीका बदल जाएगा, एक्स आई वाई जे वेयर एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू ई एंड वाई की पावर एन इज इक्वल टू ई। ये चीज को ध्यान रखना होगा। ठीक है, यहां पे हमारे पास एक्स वाई इक्वल टू वाई इनवर्स एक्स, और आई की वैल्यू जो होती है वो कहां से कहां तक वैरी करेगी, 0 से 1 तक, और जे की वैल्यू कहां से वैरी करेगी, 1, 2 अप टू सोन N-1 तक। क्यों एन तक क्यों नहीं वैरी करती भैया, इसकी वैल्यू एन तक इसलिए नहीं वैरी करती क्योंकि जैसे ही तुम J की वैल्यू N रखोगे तो वो आइडेंटिटी बन जाएगा। X की वैल्यू I की वैल्यू भैया 0 और 1 ही क्यों है, 2 क्यों नहीं है, क्योंकि 2 पे तो वो आइडेंटिटी बन जाएगा, उसके बाद फिर से रिपीट होती रहती हैं चीजें। ठीक है, ये जो चीज है ना XIYJ, ये जो चीज है XIYJ, इसको कंबाइंड हम क्या नाम देते हैं, जनरेटर। जनरेटर का मतलब क्या होता है भैया, ये एक एलिमेंट, सिर्फ ये एक एलिमेंट पूरे ग्रुप को जनरेट कर सकता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं यहां पर ग्रुप लिखूं, जैसे यहां पे मैं एक ग्रुप लिखूं अप टू सोन, बता सकते हो कि इसको मैं कैसे लिख सकता हूं जनरल रिप्रेजेंटेशन में। हाँ भैया, हम लिख सकते हैं 2 की पावर i, वेयर i बिलोंग्स टू होल नंबर, वेयर i बिलोंग्स टू होल नंबर। होल नंबर में तुम्हें यहां पर 0 नहीं, होल नंबर क्यों है, नेचुरल नंबर रखेंगे, वेयर n i बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर डाल के देखो, 1 डालोगे तो 2 मिल जाएगा, 2 डालोगे 4 मिल जाएगा, फिर 3 डालोगे 8, 4 डालोगे 16, अप टू सो ऑन। तो ये सिर्फ एक ही एलिमेंट मिलके पूरे ग्रुप को जनरेट कर सकता है, पूरे सेट को बना सकता है, इसीलिए इस एलिमेंट का नाम हमने क्या दिया है, जनरेटर। ऐसे ही ये जो एक्स आई वाई जे है, तुम इसकी पावर चेंज करते रहो, जैसे जैसे तुम इसकी पावर चेंज करते रहोगे अलग अलग एलिमेंट आते रहेंगे, लेकिन यही सारे के सारे जनरेट कर देंगे। ठीक है, सारे एलिमेंट्स तुम इन्हीं से ही बना सकते हो, इसीलिए इसका नाम क्या होता है, जनरेटर। अरे समझ में आ रहा है क्या, बढ़िया बढ़िया, बहुत अच्छे। ठीक है, इस चीज का नाम क्या होता है, ये होता है हमारे पास रिफ्लेक्शन। अगर तुम्हें ज्यादा डिटेल में जाना है तो तुम्हें पता है क्या करना है, पूरा सारी चीजें कंप्लीट हो रखी हैं, इसे कहते हैं रिफ्लेक्शन। अगर इसकी पावर चेंज करोगे तो रिफ्लेक्शन होती रहेंगी, अगर जे चेंज करोगे या वाई की पावर चेंज करोगे तो रोटेशन होने वाली, रोटेशन। और ये पूरी चीज को हम क्या कहते हैं, इस पूरी चीज को हम क्या कहते हैं, जनरेटर।
बढ़िया भैया, बहुत अच्छे। अच्छा एक और चीज, कितने एलिमेंट्स पॉसिबल है इस डीएन में, तो लिख लो ऑर्डर ऑफ डीएन। ऑर्डर ऑफ डीएन का मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन डीएन इज 2n। इसी का ही अगर मैं स्पेशल केस बना के दिखाना चाहूं, तो अगर i वेरी करेगा 0-1 तक और j भी वेरी करेगा 0-1 तक, तो देखना क्या एलिमेंट बनेंगे, बताओ जल्दी खुद से। d2 बोलेंगे इसे, ठीक है d2 बोलेंगे, यही तो है यार d, यही तो है n, 2-1 1 ही तो होता है, तो j वेरी करा रहे हैं 0-7 तक, बताना क्या क्या एलिमेंट्स आएंगे। सबसे पहले आएगा भैया दोनों की पावर 0, उसका नाम होता है आइडेंटिटी। फिर आएगा y की पावर 0, x की पावर 1, फिर आ जाएगा x, x की पावर 0, y की पावर 1, दोनों की पावर 1। अब जाओ वापस k4 पे, ऐसा कुछ नहीं था, बस यहां पे मैंने a b लिखा था, है ना, सेम आ गया ना, मैंने तुम्हें पहले ही कहा था ये पूर्वज है उसके, ठीक है। चल बढ़िया, डीएन ग्रुप भी हमने समझ लिया कैसा सा दिखाई देता है, आगे जाके और भी चीजें इसके बारे में बताएंगे। आज लेक्चर थोड़ा थ्योरेटिकल सा होने वाला है, तो ध्यान रखना थोड़ा सा। नेक्स्ट हमारे पास आ रहा है सिमेट्रिक ग्रुप, 8th ग्रुप, सिमेट्रिक ग्रुप। अब भैया ये सिमेट्रिक ग्रुप क्या होता है, सिमेट्रिक ग्रुप को हम डिनोट करते हैं SN से, और SN हमारे पास क्या होता है, जितनी भी पॉसिबल मैपिंग्स है 1-1-2, जितनी भी पॉसिबल मैपिंग्स है N एलिमेंट्स की, N एलिमेंट्स पे ही उसे हम कहते हैं सिमेट्रिक ग्रुप। तो इसका मैं लिखवाना चाहूंगा अपनी लैंग्वेज में, तो लिख लो एलिमेंट्स, सेट ऑफ एलिमेंट्स, सेट ऑफ एलिमेंट्स 1-1 and on 2, सेट ऑफ ऑल एलिमेंट, नहीं यार थोड़ा सही कर लो इसे, सेट ऑफ ऑल 1-1 and on 2 मैपिंग्स फ्रॉम सेट कंटेनिंग, फ्रॉम सेट कंटेनिंग एन एलिमेंट्स टू इट्सेल्फ, खुद पे ही अगर मैप करा दें तो उसे हम क्या कहेंगे, SN। क्या भैया खुद पे मैप कराने का मतलब ये है कि अगर मेरे पास ये एलिमेंट्स हैं, अगर मेरे पास ये एलिमेंट्स हैं, तो क्या 1-1 पे मैप होगा, 2-2 पे, 3-3 पे, 4-4 पे, नहीं, जरूरी नहीं है, 1-2 पे भी हो सकता है, 2-3 पे भी हो सकता है, 3-4 पे भी और 4-1 पे भी, ये जरूरी नहीं है। बस ये जरूरी है कि यहां ये एलिमेंट है तो यहां भी यही एलिमेंट्स होने चाहिए। अगर वो सामने सामने ही ऑपरेट हो गए, मतलब 1-1 पे, 2-2 पे, 3-3 पे, 4-4 पे, अगर ऐसा हो गया तो क्या होगा, दिस इज कॉल्ड आइडेंटिटी एलिमेंट, तो ये इसके आइडेंटिटी एलिमेंट होती है, ठीक है। जितने भी एलिमेंट होंगे अगर वो उसी पे ही मैप हो रहे हैं, एग्जैक्ट उसी पे मैप हो रहे हैं, तो आइडेंटिटी एलिमेंट बना देंगे। बढ़िया, अगर इसका ऑर्डर पूछूं मैं, तो इसका ऑर्डर होने वाला है, इसका ऑर्डर हमारे पास होने वाला है ऑर्डर ऑफ SN इज इक्वल टू n फैक्टोरियल, ठीक है। ऑर्डर को ऐसे ऐसे भी लिख देते हैं कभी कभी। 9th हमारे पास ग्रुप आ रहा है जिसका नाम है अल्टरनेटिंग ग्रुप, इंपॉर्टेंट अल्टरनेटिंग ग्रुप। अल्टरनेटिंग ग्रुप हमारे पास क्या होता है, इसके लिए ना तुम्हें परम्यूटेशन ग्रुप समझना पड़ेगा, मतलब यही वाला ग्रुप थोड़ा डिटेल में समझना पड़ेगा। ये वाले ग्रुप में, अब परम्यूटेशन की मैं नीचे डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में लिंक, वो वाला लेक्चर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उस पर तो पूरा चैप्टर बनता है। तो अगला जो लेक्चर आने वाला है, जब मैं क्वेश्चंस लूंगा, उसमें परम्यूटेशन के बहुत ढेर क्वेश्चन कराऊंगा, क्योंकि कोई भी एग्जाम उठा लो परम्यूटेशन से तो क्वेश्चन आता ही है और बनता भी है वहां से। जैसे मान लो मैं S3 लिख के दिखाऊं तुम्हें, S3, तो S3 में कौन कौन सी आ जाए, पहले तो तुम्हें पता होना चाहिए 1-1 on 2 मैपिंग क्या होती है, 1-1 on 2 मैपिंग क्या होती है, ये पता होना चाहिए, तभी कर पाओगे ये चीज तुम्हें। जैसे मैं तुम्हें S3 के एलिमेंट लिख के दिखाऊं, तो ये आ जाएगा आइडेंटिटी, मतलब ऐसा कुछ आ जाएगा 1-1 पे, 2-2 पे, दूसरा आ जाएगा 1-2, भैया ये 1-2 क्या होता है, मतलब 1-2 पे, 2-3 पे, रुक जा राजन वापिस आ जा, चलो मैं दिखाता हूं। यहां पे मान लो एलिमेंट्स हैं 1-2-3, 1-2-3, ठीक है। अगर 1-2 पे है, 2-1 पे है, जो डिस्टिंक्ट एलिमेंट होते हैं उनको लिखते हैं, 3 को तो 3 पे ही जाना पड़ेगा, तो इसको नहीं लिख रहे हैं, ठीक है। अगला एलिमेंट ऐसे बन सकता है 2-3, इसके बीच में कोमा ना लिखो ताकि कंफ्यूजन हो, 2-3 का मतलब है 2-3 पे, 3-2 पे, 2-3 पे, 3-2 पे, तो 2-3 पे, 3-2 पे, लेकिन 1-1 पे तो उसको मैंने लिखा नहीं, जो सेम होता है उसको लिखने की जरूरत नहीं है। क्या बचा, 3-1 बचा या 1-3 बचा, कुछ भी लिख लो, 1-3 बचा, 1-3 लिख दो, मतलब 1-3 पे, 3-1 पे, लेकिन 2-2 पे। अगला हमारे पास आता है 1-2-3,
वन टू थ्री का मतलब 132, 123 का मतलब 12 पे मैप है, 23 पे है, 31 पे है, साइक्लिकली चलो ठीक है, 13 पे है, 32 पे है, 13 पे है, 32 पे है, 21 पे है, ठीक है, मैं करके दिखाता हूं लास्ट वाला, 13 पे, 32 पे और 21 पे, ऐसी कुछ मैपिंग है ये वाली, ठीक है, सारे डिस्टिंक्ट एलिमेंट पे तो 11 भी है और वापिस एक इमेज मिल रही है तो 12 भी है, बढ़िया, बहुत अच्छे। SN अगर हमारे पास, तो अभी SN है ना, AN की डेफिनेशन लिखना, तो यहां लिखो सेट ऑफ ऑल इवन परमिटेशन, पहले लिख लो फिर बताता हूं, सेट ऑफ ऑल इवन परम्यूटेशन, यार परम्यूटेशन ग्रुप में अभी क्यों नहीं करा पा रहा, बहुत वाइड है वो, बहुत वाइड, उसके बारे में ढेर चीजें, सिग्नेचर क्या होता है, ये क्या होता है, वो क्या होता है, इसलिए उसको सेपरेट वीडियोस में सही रहेगा, विद रिस्पेक्ट टू कंपोजिशन, सेट ऑफ ऑल इवन परमिटेशन विद रिस्पेक्ट टू कंपोजिशन ऑफ मैपिंग, कंपोजिशन ऑफ मैपिंग, इस चीज का ध्यान रखना, ठीक है। अगर मैं इसका ऑर्डर पूछूं तुमसे तो क्या होगा, n फैक्टोरियल अपॉन 2। भैया आप इसका मतलब भी बता देते, मतलब मैं समझा सकता हूं, देखो इवन परम्यूटेशन का मतलब होता है कितने एलिमेंट्स तुम्हें यहां पर दिखाई दे रहे हैं, तुम्हें यहां पर दिखाई दे रहे भैया पहले में तो आई है, आई के बारे में हमें कुछ नहीं पता, इसमें तो एक ही एलिमेंट होगा, अरे एक ही एलिमेंट तो होगा यार, ऐसे लिख लो आइडेंटिटी इज ऑलवेज इवन परमिटेशन, इवन परमिटेशन, बस आज के बाद याद रखेंगे, तो ये तो होगा ही होगा। तो एन में अगर हम ध्यान दें, एक तो आइडेंटिटी होगा, जितने एलिमेंट्स होते हैं उसमें से एक कम कर दो, दो एलिमेंट है एक कम कर दो, क्या बचा, ओड, ओड नंबर ही तो बचा, तो ये ओड परमिटेशन होगी, इसमें भी दो एलिमेंट एक कम कर दो, एक बचा ओड, ओड इसमें से एक कम कर दो इवन, तो ये आ जाएगा 1 2 3। अब इसका मतलब क्या भैया, बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा हमें, तो मतलब मैं समझाना चाहूं तो इसको मैं ब्रेक करके ऐसे लिख सकता हूं, इसके लिए तुम डिटेल वीडियो देख लेना, अगर थोड़ा सा पता है तो अच्छी बात है, इसको मैं लिख सकता हूं 1 3 और सॉरी 1 2 1 3, ऐसा भी लिखा जा सकता है इसको, तो इसकी दो ही, इसको फिर मैं ट्रांसपोजिशन वर्ड यूज कर दूंगा, इसलिए मैं ज्यादा डिटेल में जाना नहीं चाह रहा हूं अभी, ठीक है, मतलब ज्यादा डीप जाने के लिए तुम अलग से देख लेना, मैं तो एक ओवरव्यू देने की कोशिश कर रहा हूं, 1 2 पे फिर 1 3 पे, ऐसे इसको लिखा जा सकता है, दो पार्ट में ब्रेक हो रहा है इसलिए इवन है, ऐसे अगला भी देखो, अगला भी इवन होएगा 1 3 2, कितने एलिमेंट्स आ रहे हैं यहां पे, 3 एलिमेंट्स आ रहे हैं, इसमें कितने एलिमेंट्स आ रहे हैं, 6 एलिमेंट आ रहे हैं, तो देखो इसके आधे ही तो हुए, तो ये ए एन हमारे पास अल्टरनेटिव ग्रुप होता है, ठीक है, ऐसे ही तुम एस फोर भी लिख सकते हो, एस फाइव भी लिख सकते हो, अप टू सोन सारे लिख सकते हो, बढ़िया भैया बहुत अच्छे। नेक्स्ट अब हम बढ़ चुके हैं ग्रुप की तरफ, तो ग्रुप की मैं कुछ डेफिनेशंस बताना चाहूंगा, नेक्स्ट पे चलते हैं ग्रुप, ग्रुप पे चलते हैं। हमने सारे जितने भी पॉसिबल हो सकते थे नो किए हैं ग्रुप, दसवां क्यों नहीं किया भैया, वो G1 क्रॉस G2, उसको मैं आगे बताना चाहूंगा, वो हमारे पास एक्सटर्नल डायरेक्ट प्रोडक्ट है, मतलब इन्हीं का ही अगर तुम बहुत सारे कॉम्बिनेशंस लेते रहोगे तो न्यू ग्रुप बना सकते हो, समझ गए, जैसे तुम फॉर एग्जाम्पल Z2 लो, क्रॉस Z2 लो, तो एक न्यू ग्रुप तैयार हो जाएगा, ठीक है, ऐसे हम बहुत सारे ग्रुप और भी बना सकते हैं, और इसी पे ग्रुप थ्योरी चलती है। नेक्स्ट अब मेरे पास बहुत सारे थ्योरेटिकल पॉइंट है भैया, आप नोटबुक पेन निकाल लो और लिखना शुरू कर दो, साथ साथ मैं समझाने की कोशिश करूंगा, अगर वीडियो दो बार देखने की जरूरत पड़ रही है तो देखो, ठीक है। सबसे पहली चीज मैं यहां पर बताना चाहूंगा, ऑर्डर ऑफ ग्रुप, नहीं ग्रुप क्या होता है, ग्रुप क्या होता है, तो ग्रुप फॉलो करने के लिए चार प्रॉपर्टीज होनी चाहिए, सबसे पहली कौन सी होती है, क्लोजर प्रॉपर्टी। क्लोजर क्या कहती है, क्लोजर कहती है ये ग्रुप है कोई भी और ये उस पर ऑपरेशन लग रहा है स्टार्ट, क्लोजर प्रॉपर्टी कहती है कोई भी दो एलिमेंट लो ग्रुप से, जैसे फॉर एग्जांपल ग्रुप है इंटीजर्स का, मैं कोई भी दो इंटीजर लेता हूं, ऐड करता हूं, तो क्या वापस इंटीजर मिलेगा, हां भैया मिलेगा, तो इसीलिए क्लोजर प्रॉपर्टी होल्ड होनी चाहिए, तो मैं इसमें ऑपरेशन लगाऊंगा बाइनरी ऑपरेशन, वो भी कहां मिलना चाहिए, वो भी मुझे मिलना चाहिए जी में। सेकंड प्रॉपर्टी सुनो, सेकंड प्रॉपर्टी क्लोजर के बाद हमारे पास आती है एसोसिएटिविटी। भैया ये एसोसिएटिविटी क्या होती है, एसोसिएटिविटी होती है कि तीन एलिमेंट तुमने लिए, उसको किसी भी ऑर्डर में उस पर ऑपरेशन लगा दो, कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए, अगर ये चीज होल्ड कर रही है तो एसोसिएटिविटी होल्ड करेगी, और मैक्सिमम क्वेश्चन में एसोसिएटिविटी होल्ड कर जाती है, ये तो आर्टिफिशियल प्रॉपर्टी होती है मेनली, हमें चेक करना। नेक्स्ट हमारे पास आती है आइडेंटिटी,
आइडेंटिटी एलिमेंट। आइडेंटिटी एलिमेंट क्या होता है? अगर मान लो तुम्हें कोई ऐसा एलिमेंट मिल जाए ग्रुप में जिसको अगर तुम किसी भी एलिमेंट से मल्टीप्लाई करो सेम ही मिल जाए, वेयर ई बिलोंग्स टू जी, जी में ही होना चाहिए, कहीं बाहर से नहीं लाओ। अगर ऐसी चीज तुम्हें मिल रही है तो वो आइडेंटिटी एलिमेंट अगर तुम्हें मिल रहा है तो एक और प्रॉपर्टी ग्रुप की सेटिस्फाई हो जाएगी, ठीक है। और लास्ट हमारे पास चीज क्या आ रही है जिसका नाम है इनवर्स, इनवर्स एलिमेंट। इनवर्स का मतलब है क्या तुम्हें एक ऐसा एलिमेंट मिल रहा है जिसको इससे मल्टीप्लाई करो तो आप वापिस आइडेंटिटी मिल जाए, तो वो इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। तो मैं तुम्हें एक चीज बताना चाहूंगा, जैसे मैं इंटीजर का एग्जांपल लूं और मल्टीप्लीकेशन उसमें ऑपरेशन मल्टीप्लीकेशन, अब मैंने यहां पर 2 लिखा, तुम कहोगे भैया इसके आइडेंटिटी एलिमेंट कौन सा, भैया 1, 2 को 1 से मल्टीप्लाई करो तो आ जाएगा। ऐसा कौन सा एलिमेंट रखूं यहां पर कि आंसर 1 आ जाए? तुम कहोगे भैया 1/2, देखो आ तो गया, लेकिन क्या 1/2 जेड में आता है? नहीं भैया, ये जेड में तो नहीं आता, इंटीजर तो नहीं है, ये तो एक रैशनल नंबर है, इसका मतलब ये ग्रुप नहीं बनाने वाला विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लीकेशन, ठीक है। ऐसा तो भैया रियल भी नहीं बनाएगा, क्यों नहीं बनाएगा रियल? क्योंकि भैया आप 0 लिखो और 1/0 लिखो, ये तो नॉट डिफाइंड आ जाएगा, 0 से 0 थोड़ी काटोगे। हाँ, इसीलिए हम इसको आर को नहीं डिफाइन करके आर स्टार को डिफाइन करते हैं। आर स्टार का मतलब होता है आर माइनस 0, 0 को छोड़ के बाकी तो ये ग्रुप की प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कर ही लेता है। तो ये हमारे पास 4 प्रॉपर्टी है ग्रुप की, ग्रुप बनाने के लिए। नेक्स्ट हमारे पास एक चीज आती है, अगर कभी भी तुम्हें अबेलियन ग्रुप दिखाना पड़ जाए, अबेलियन ग्रुप दिखाना पड़ता है, तो अबेलियन के लिए एक 5th प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करनी होती है जिसको कहते हैं कॉम्यूटेटिविटी, कॉम्यूटेटिविटी। ये क्या होता है भैया, अगर तुमने ए बी इज इक्वल टू बी क्रॉस ए कर, ए बी इज इक्वल टू बी ए कर दिया, कॉम्यूटेटिविटी सेटिस्फाई हो जाएगी। मतलब भैया इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब सिंपल सा है, मैट्रिक्स में क्या ए बी इज इक्वल टू बी ए होता है? नहीं भैया, आपने तो मैट्रिक्स में पढ़ा था ऐसा तो कुछ नहीं होता एग्जैक्टली, तो वो ग्रुप नहीं बनाते, मतलब अबेलियन ग्रुप नहीं बनाते इन जनरल, ठीक है, बढ़िया। उसके बाद मैं तुम्हें बता, ग्रुप हो गया, मैंने बता दिया तुम्हें ग्रुप क्या होता है, ठीक है, बढ़िया। अब अगर तुमने ग्रुप थ्योरी पढ़ी है तो इसको मैंने एक नाम दिया था, अगर ये एक प्रॉपर्टी सेटिस्फाई होती तो उसे क्या कहते हैं, ये प्रॉपर्टी सेटिस्फाई होती तो उसको क्या कहते हैं, अगर ये प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो जाती तीनों इनको क्या कहते हैं, और लास्ट मैंने बताया था इनको क्या कहते हैं। तो कमेंट बॉक्स में जाओ बताओ, अगर सिर्फ क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो तो उसे क्या कहते हैं, सिर्फ अभी 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 पॉज करो वीडियो को और कमेंट बॉक्स में लिखो, सिर्फ एसोसिएटिविटी होती है तो उसे क्या कहते हैं, सॉरी अगर ये दो होती हैं तो उसे क्या कहते हैं, ये 3 प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो जाती है तो उसको क्या कहते हैं, 4 वाले को तो ऑब्वियसली ग्रुप ही कहते हैं, तो इसको मैं तो लिख ही देता हूं यार, इतना भी परेशान नहीं तुम्हें करते हैं। 4 वाले को हम क्या कहते हैं, ग्रुप। पहले वाले को कुछ ऐसे पता नहीं क्या वो ग्रुपोइड ऐसा कुछ, ग्रुपोइड मोनोइड सेमी ग्रुप ऐसा कुछ कहते थे, तो वो लिखना जरा यहां पे क्या आता है, 4 ऑप्शन तुम्हें दे देते हैं, यहां तो वैसे मैंने लिख ही दिया, और ये 5वीं प्रॉपर्टी, तो मैं 5 टर्म्स लिख रहा हूं, तुम खुद से फिट करना कौन सी कहां पे फिट होगी। सबसे पहला होता है ग्रुपोइड, दूसरी टर्म होती है, ऊपर नीचे करके लिख देता हूं ठीक है, सेमी ग्रुप। तीसरी टर्म हमारे पास होती है मोनोइड ग्रुप और अबेलियन ग्रुप। 2 तो मैं बता ही चुका हूं कि 5 प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हुई, 5 प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हुई तो ग्रुप, पहली 4 प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हुई, सॉरी 5 प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हुई तो अबेलियन ग्रुप, 4 हुई तो ग्रुप, बाकी तुम बताना ठीक है, कितनी प्रॉपर्टी किसमें सेटिस्फाई करानी होती है, ठीक है। अरे इजी सा क्वेश्चन है यार। नेक्स्ट हमारे पास एक चीज आ रही है जिसका नाम है सब ग्रुप, सब ग्रुप से पहले सॉरी एक चीज आ रही है जिसका नाम है ऑर्डर ऑफ एन एलिमेंट। अभी तक मैंने ऑर्डर ऑफ अ ग्रुप पढ़ाया है, अब ऑर्डर ऑफ एन एलिमेंट पढ़ते हैं, ट्राई करेंगे हम जितना छोटा बना सके लेक्चर को उतना बना लें ताकि हम क्वेश्चंस पे ज्यादा टाइम स्पेंड करें, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास आ रहा है जिसका नाम है ऑर्डर ऑफ एन एलिमेंट, चल ऑर्डर ऑफ एन एलिमेंट, ऑर्डर ऑफ एन एलिमेंट में हमारे पास क्या होता है, ए की कितनी पावर करूं, सबसे कम कितनी पावर करूं ताकि वो आइडेंटिटी बन जाए, उसे कहते हैं ऑर्डर। भैया ऐसा थोड़ी है किसी का ऑर्डर तो एग्जिस्ट भी नहीं कर सकता, जैसे फॉर एग्जांपल मैं इंटीजर लूं, इंटीजर में अगर मैं यहां पे 5 ले लूं तो 5 की कितनी पावर करूं यहां पे, 5 की कितनी पावर करूं यहां पे ताकि आंसर आ जाए, अगर मैं प्लस के रिस्पेक्ट में कर रहा हूं ताकि आंसर आ जाए, सॉरी मल्टीप्लीकेशन के रिस्पेक्ट में कर रहा हूं,
मल्टीप्लीकेशन के रिस्पेक्ट में कितनी पावर करूं कि आंसर वन आ जाए, कितनी पावर करूं? तो भैया मेरे को तो पता ही नहीं, यहां पर जीरो लिख दो, यहां पे पावर में जीरो लिख दो। अच्छा, और अगर मैं एडिशन के रिस्पेक्ट में लेता तो अब बताना आंसर क्या आना चाहिए, जीरो। तो यार ऐसा कोई एग्जिस्ट ही नहीं करता एलिमेंट, ऐसी कोई पावर एग्जिस्ट ही नहीं करेगी। तुमको भैया माइनस इन्फिनिटी लिख दें। अच्छा, क्या होता माइनस इन्फिनिटी? भैया वो तो नहीं पता, किसी ने बताया नहीं था। तो भैया जिस भी एलिमेंट का ऑर्डर एग्जिस्ट ना करे उसे हम क्या कहते हैं, इन्फिनिट ऑर्डर्ड एलिमेंट। ठीक है, इस चीज का ध्यान रखना। तो मैं यहां पर कुछ बताना चाहूंगा, एन इज द मिनिमम पावर फॉर विच, ऑर्डर ऑफ एन एलिमेंट क्या होता है, एन इज द लीस्ट पावर, लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर, लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर। अगर इससे कोई बड़ा एग्जिस्ट करेगा, मतलब इससे बड़े भी एग्जिस्ट कर सकते हैं, तो वो उसके मल्टीपल होने चाहिए। ठीक है, और इफ नो सच एन एग्जिस्ट देन ऑर्डर ऑफ एन एलिमेंट ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं इज इक्वल टू इन्फिनिट। ठीक है, ऑर्डर ऑफ एन एलिमेंट इज इन्फिनिट, इस चीज का ध्यान रखेंगे। बढ़िया भैया, बहुत अच्छे, नेक्स्ट पे चलते हैं। ऑर्डर मैंने तुम्हें बता दिया है, ऑर्डर की कुछ प्रॉपर्टीज बताने वाला हूं जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एक जगह पे आज सारा कुछ लिख लेंगे, बढ़िया से नोट्स बना लेंगे। ठीक है, सबसे पहली प्रॉपर्टी हमारे पास आती है कि ऑर्डर ऑफ ए निकालो या ऑर्डर ऑफ ए इनवर्स निकालो। अभी मैंने ए इनवर्स की तुम्हें नोटेशन नहीं बताई थी, ए इनवर्स का मतलब ये होता है अगर तुम मल्टीप्लीकेशन में ए इंटू ए इनवर्स लिखोगे तो मल्टीप्लीकेशन में ऐसे लिखा जाता है जिससे आइडेंटिटी मिलेगी, और एडिशन में ऐसे लिखा जाता है। ठीक है, ऐसे ध्यान रखना। तो नोटेशन है, कुछ भी लिख लो, ऑर्डर ऑफ ए इक्वल टू ऑर्डर ऑफ ए इनवर्स, और इस ए इनवर्स का मतलब ये नहीं होता वन बाय ए, कहीं सोच रहे हो, होशियार बन रहे थे तुम। चलो नेक्स्ट हमारे पास आता है इंपॉर्टेंट चीज, तो लिखो इफ जी इज फाइनाइट। सारी चीजें मैं एक जगह लिख के लाऊं ताकि इधर उधर ढूंढनी ना पड़े बोरा में। फाइनाइट ग्रुप ऑफ इवन ऑर्डर, इवन ऑर्डर, देन नंबर ऑफ एलिमेंट्स, नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ऑर्डर टू, ऑफ ऑर्डर टू टू इन जी आर ऑलवेज ओड, ऑलवेज ओड। बड़े खतरनाक ढूंढ ढूंढ के रिजल्ट लाया हूं मैं, और इसे हर एक रिजल्ट पे तुम्हें क्वेश्चन कराने वाला हूं, तो रिवाइज करके आना नेक्स्ट लेक्चर में। अगर हमें कोई भी फाइनाइट ऑर्डर ग्रुप मिलता है जिसका ऑर्डर क्या है, इवन नंबर है, तो उसमें ऑर्डर टू के कितने एलिमेंट मिलने वाले हैं, मतलब ए स्क्वायर इक्वल टू ई, ऐसे कितने ए मिलने वाले हैं हमें ऑर्ड, या तो एक होगा या तीन पांच सात आठ नौ दस ग्यारह ऐसे कुछ। पता है रीजन बताऊं थोड़ा सा क्यों, देखो थोड़ा सा बताने की कोशिश करते हैं। अगर ए स्क्वायर, अगर मान लो ए स्क्वायर का आइडेंटिटी है, मतलब ऑर्डर ऑफ ए इक्वल टू आइडेंटिटी है, ऑर्डर ऑफ ए इक्वल टू आइडेंटिटी है, तो ऑर्डर ऑफ ए इनवर्स भी कितना होगा, सॉरी ऑर्डर ऑफ ए इक्वल टू टू है तो ऑर्डर ऑफ ए इनवर्स भी क्या होगा, टू होगा। ऑर्डर ऑफ ए इनवर्स भी क्या होगा, टू होगा, इस चीज को ध्यान रखेंगे। तो जो मैं फर्स्ट प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करके दिखाना चाहता तुम्हें, तो जो एलिमेंट का ऑर्डर होने वाला वही उसके इनवर्स का भी होता है। ठीक है, इस चीज का ध्यान रखेंगे। बढ़िया, बहुत अच्छे। नेक्स्ट हमारे पास एक चीज आ रही, वैसे मैं कुछ भूल तो नहीं रहा हूं ना, नहीं, उसके बाद एक और इंपॉर्टेंट चीज आ रही है। अगर ऑर्डर ऑफ ए इनवर्स, सॉरी ऑर्डर ऑफ ए इक्वल होता है ऑर्डर ऑफ एक्स ए एक्स इनवर्स, ये एलिमेंट आगे जाके बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो ध्यान से लिख लेना। एक और चीज इसी के साथ लिख लो, ऑर्डर ऑफ ए बी इज इक्वल टू ऑर्डर ऑफ बी ए, ये दोनों सेम होते हैं, चाहे कॉम्पिटेटिव ग्रुप हो चाहे ना हो, ये चीज ऑर्डर में सेम रहेगी। एक और चीज लिख लो, एक्स इनवर्स ए की पावर अगर के दे रखी है तो ये होती है एक्स ए की पावर के एक्स इनवर्स, ध्यान से लिख लेना। मैंने उल्टा लिख दिया क्या? हाँ उल्टा लिखा, यहां एक्स इनवर्स। ठीक है, ये एक प्रॉपर्टी थी जिसमें काफी सारी अंदर भी इसके प्रॉपर्टीज थी। मान लो अगर तुम्हें ऑर्डर ऑफ एक एलिमेंट दिया हुआ है एम, बेटे कल मतलब अगले लेक्चर में प्रॉपर्टीज दिखा के बताऊंगा तुम्हें, फिर मैं ध्यान से लिख लो इसे, ऑर्डर ऑफ ए की पावर के, अगर ऑर्डर ऑफ ए पता है उसकी पावर निकाल, पावर का हमें ऑर्डर निकालना, तो वो होता जीसीडी ऑफ के एंड एम, के एंड एम, इस चीज का ध्यान रखेंगे, वेयर के बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। चल बढ़िया,
तो तुम्हें एक ही अगर मतलब एक ऑर्डर पता है उसकी पावर का निकालना है तो ऐसे निकालते हैं, फॉर्मूला है डायरेक्ट, ए बी इज इक्वल टू बी ए। अगर ऐसा है ये कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए पहली, दूसरी कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए ऑर्डर ऑफ ए इक्वल टू एम, ऑर्डर ऑफ बी इक्वल टू एन, दो ऑर्डर दे रखे हैं, और तीसरी कंडीशन हमारे पास है जीसीडी ऑफ एम एन वन होना चाहिए, आपस में कोई लेना देना नहीं है, इसका अलग ऑर्डर होना चाहिए, इसका अलग ऑर्डर होना चाहिए और जीसीडी वन होना चाहिए। ऑर्डर अलग तो हो ही लेकिन उनका जीसीडी भी वन होना चाहिए, तभी सिर्फ हम कह सकते हैं ऑर्डर ऑफ ए बी इज इक्वल टू ऑर्डर ऑफ ए ऑर्डर ऑफ बी। इसका प्रूफ भी है लेकिन प्रूफ में हम जाना नहीं चाहेंगे। ये कंडीशंस फुलफिल होंगी बेटे एग्जाम में, यहां से क्वेश्चन बन सकता है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, एग्जाम में क्वेश्चन बनता है तो ये तीन चीजें सेटिस्फाई करनी होती है, वरना नहीं ऑर्डर ऑफ ए इक्वल टू ऑर्डर ऑफ ए बी इक्वल टू ऑर्डर ऑफ ए ऑर्डर ऑफ बी हो जाता, ठीक है, इस चीज का ध्यान रखना थोड़ा सा। तो ये हमारे पास कुछ प्रॉपर्टीज थी। नेक्स्ट मैं चलना चाहूंगा सब ग्रुप की तरफ। भैया ये सब ग्रुप क्या होता है? सब ग्रुप ऐसे समझ लो, सब ग्रुप ऐसे समझ लो कि ग्रुप का एक छोटा सा पार्ट जो खुद भी ग्रुप हो उसे क्या कहते हैं? सब ग्रुप कहते हैं। मतलब ग्रुप विद इन ग्रुप, ग्रुप विद इन ग्रुप, मतलब क्या कहने का है? जैसे मान लो मैं हूं और मेरा एक स्टूडेंट मैं निकाल दूं, अगर मैं समझदार हूं तो ऑब्वियस सी बात है मेरा स्टूडेंट भी समझदार होगा। तो ये तो भैया अपनी बढ़ाई करने वाली बात होगी, हाँ तो करें ना, खुद ही करनी पड़ती है यहां पर। तो ऐसे ही अगर एक बहुत बड़ा ग्रुप है, मैंने उसका एक छोटा सा सेट लिया, अगर वो छोटा सा सेट भी खुद भी एक ग्रुप बना दे, ग्रुप बना दे, तो उस छोटे वाले को बड़े वाले का क्या कहेंगे? बेटा। नहीं, बेटा नहीं, वो तो असली रिश्तों में होता ना, मैथमेटिक्स में उसे कहते हैं सब ग्रुप। डिनोट कैसे करते हैं? इसे एच मान लो, इसे जी मान लो, तो एच इज सब ग्रुप ऑफ जी। लेकिन भैया प्रूव कैसे करेंगे कोई सब ग्रुप है या नहीं? एक ही कंडीशन है, सिर्फ एक ही कंडीशन है, कंडीशन टू प्रूव, और इतनी मजेदार है, सिर्फ एक स्टेप में प्रूव कर सकते हो, सिर्फ एक स्टेप में, बस ये दिखा दो ए बी इनवर्स बिलोंग्स टू एच, बस खत्म हो जाएगा भैया, इतना ही था। और ये भी कहां से होने चाहिए? एच से होने चाहिए, ए बी बिलोंग्स टू एच, बस इतना ही। तो हम कह सकते हैं एच इज सब ग्रुप ऑफ जी। आज के बाद तुम्हें कभी भी क्वेश्चन में प्रूफ, मतलब नेक्स्ट वीडियो में जब मैं कराऊंगा क्वेश्चंस, इसी एक प्रॉपर्टी से करा दूंगा, कितना भी भयंकर क्वेश्चन हो सिर्फ ये करना, कितना भी मुश्किल क्वेश्चन इससे हो जाएगा। तो ये हमारे पास कंडीशंस थी। अब मैं तुम्हें कुछ एग्जांपल्स बताना चाहूंगा, वेरी इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स ऑफ सब ग्रुप, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। इस पूरे पे मैंने एक डेडिकेटेड लेक्चर भी बना रखे हैं हर एक टॉपिक पे, तो उसको भी तुम देख सकते हो इफ यू थिंक इट इज नीडेड, ठीक है। बाकी मैं कोई पॉइंट छोड़ नहीं रहा हूं। इफ जी इज अबेलियन, ध्यान रखना अबेलियन ग्रुप के लिए होगा, इफ जी इज अबेलियन, अबेलियन मतलब पांच प्रॉपर्टी सेटिस्फाई होने चाहिए, पांच प्रॉपर्टी, एंड एन बिलोंग्स टू एन, देन एच इज इक्वल टू जी एन, वेयर जी बिलोंग्स टू दिस इज सब ग्रुप ऑफ, सब ग्रुप ऑफ जी। याद रखो, इसे अंडरलाइन कर लो, अगर जी अबेलियन है तो ये ऐसी जो चीज अगर तुम्हें कभी भी दिखे पेपर में तो वो सब ग्रुप बनाएगी। किसी भी ग्रुप के लिए ट्रू है ये वाला, दिस इज ट्रू फॉर एनी ग्रुप, लेकिन बस कंडीशन क्या है? अबेलियन होना चाहिए। लेकिन भैया अगर वो अबेलियन ना हुआ तो लिख लो एच नीड नॉट बी सब ग्रुप इफ जी इज नॉट अबेलियन। ये मैं साथ ही लिखवा देता हूं, अगर अबेलियन है तो ये ट्रू होगा, वरना ट्रू नहीं है, मतलब वरना हो भी सकता नहीं भी हो सकता। तो किस कंडीशन पे हो सकता वो लिख लो, इफ जी इज एनी ग्रुप, एनी ग्रुप, इफ जी इज एनी ग्रुप एंड जी बिलोंग्स टू जी, देन एच इज इक्वल टू जी की पावर एन, वेयर एन बिलोंग्स टू इंटीजर, एन बिलोंग्स टू इंटीजर इज अ सब ग्रुप। बस ये कंडीशन पे होगा, ध्यान रखना, इज एन इंटीजर, ये चीज को ध्यान रखना। वैसे ना ये दो चीजें अलग अलग नहीं है, अलग अलग नहीं है। इसमें मैंने अबेलियन बोल दिया ना, अबेलियन का मतलब क्या होता है? अबेलियन का मतलब होता है ए बी इज इक्वल टू बी ए, या फिर अबेलियन, अबेलियन में ये भी होता है कि ऑर्डर ऑफ ए, मतलब एलिमेंट्स मिलते हैं मुझे जिनके ऑर्डर टू होते हैं, जिनके ऑर्डर क्या होते हैं? टू होते हैं। बढ़िया भैया, ये तो अच्छी बात है, मतलब ये कंडीशन ऑर्डर टू वाले में ट्रू होती है, ये भी कहीं लिख लेना,
ऐसा ऐसा लिख लेना, a इक्वल टू ए, ऐसे लिख लो, ए स्क्वायर इज इक्वल टू ई। अगर मैं दोनों साइड ए इनवर्स से मल्टीप्लाई कर दूं तो क्या होगा, ऐसा कुछ होगा। एक ए इनवर्स इसको उड़ा देगा, आइडेंटिटी बना देगा, और एक ए यहां पे बचेगा, ये आ जाएगा ए इनवर्स इंटू ए, ए इनवर्स ये हो जाएगा ए इक्वल टू ए इनवर्स, ऐसा कुछ बच जाएगा, ए इक्वल टू ए इनवर्स, ये बच गया। समझ पा रहे हो, ये चीज बच गई। तो अबेलियन ग्रुप में ये चीज ट्रू होती है। तो अबेलियन में क्या होता है, अगर ए एग्जिस्ट कर रहा है तो ए इनवर्स भी एग्जिस्ट करेगा, और वो खुद का इनवर्स होगा। तो इसमें मैंने पहले से ही बोल दिया कि इनवर्स एग्जिस्ट कर रहे हैं, एलिमेंट है तो उसके इनवर्स भी है। यहां पर मैंने अलग से बोला कि अगर n एग्जिस्ट कर रहा है तो माइनस n भी एग्जिस्ट करेगा। देखो ना, इंटीजर पावर कही हुई है। इंटीजर का मतलब क्या होता है, अगर कोई एलिमेंट एग्जिस्ट कर रहा है, कोई नंबर एग्जिस्ट कर रहा है, तो उसका नेगेटिव नंबर भी एग्जिस्ट करता है। तो ये दो बातें अलग अलग नहीं है, बस लिखने के तरीके अलग अलग है, ठीक है। अबेलियन का मतलब हमने पहले ही अबेलियन में इंक्लूड कर दिया कि इनवर्स एग्जिस्ट कर रहे हैं, और अगर मैं दूसरे वाले में देखूं तो मैंने वहां पे अलग से बताया है कि पावर इंटीजर होनी चाहिए। बढ़िया भैया, बहुत अच्छे। तो दूसरा पॉइंट ये था। तीसरा पॉइंट लिखो यहां पे, सेंटर ऑफ अ ग्रुप। सेंटर पे मैं अभी और भी बात करूंगा, बट अभी लिख लो, सेंटर ऑफ अ ग्रुप इज ऑल्सो अ सब ग्रुप। तो सेंटर का मतलब क्या होता है, तुम्हें ऐसे सेंटर में कौन कौन से एलिमेंट आते हैं भैया, सेंटर में वो एलिमेंट्स आने वाले हैं जो कम्यूट करेंगे बाकी एलिमेंट्स के साथ, ठीक है। तो यहां लिख लो, ax इज इक्वल टू xa फॉर ऑल x बिलोंग्स टू g। ऐसे एलिमेंट्स तुम्हें यहां से उठाने हैं, इज सब ग्रुप ऑफ g, सब ग्रुप ऑफ g। मतलब तुमने ऐसे एलिमेंट्स उठाने हैं जो बाकी सारे एलिमेंट्स के साथ कम्यूट करें, वो सेंटर में आ जाएंगे। कम्यूट मतलब ए बी इक्वल टू बी ए, या फिर ए एक्स इक्वल टू एक्स, याद रखना ये साइन याद रखना, फॉर ऑल हर एलिमेंट के साथ कम्यूट करने चाहिए, सिर्फ ये नहीं कि एक दो के साथ कम्यूट कर जाए। अगले देखो, अगली एक बिल्कुल इससे सिमिलर चीज आने वाली है, इसीलिए कंफ्यूज हो जाओगे, तो ध्यान से देख लेना। नेक्स्ट हमारे पास आ रहा है नॉर्मलाइजर, और इसे कभी कभी कहते हैं सेंट्रलाइजर। बिल्कुल सेम डिट्टो डेफिनेशन, लेकिन ध्यान से ऑफ ए इन जी। अब ध्यान से देखोगे ना, यहां पे क्या है, नॉर्मलाइजर ऑफ ए। ए का नॉर्मलाइजर कौन सा, ऐसे कौन से एलिमेंट्स है जो ए के साथ कम्यूट कर रहे हैं, तो ऐसा कुछ लिखा जाता है, इसे एन ऑफ ए या फिर सी ऑफ ए विच इज इक्वल टू जी बिलोंग्स टू जी फॉर ऑल फॉर ए जी इक्वल टू जी। ये हमारे पास है, इसमें हमारे पास क्या है, ऐसे एलिमेंट्स हमें लेने जो ए के साथ कम्यूट करें, वो सारे के सारे उसके नॉर्मलाइजर हो जाएंगे। यहां पे क्या था, ऐसे एलिमेंट्स लेने हैं जो बाकी सबके साथ कम्यूट करें। यहां पे उल्टा है, मतलब यहां पे अलग है, यहां पे अलग है। यहां ऐसे एलिमेंट्स लेने हैं जो ए के साथ कम्यूट करें, और यहां ऐसे एलिमेंट लेने हैं जो बाकी सारे एलिमेंट्स के साथ कम्यूट करें, ठीक है। सो नेक्स्ट पे चलते हैं। आई होप कि यहां तक समझ आ गया हो, नॉर्मलाइजर में और सेंटर ऑफ अ ग्रुप में। बहुत ज्यादा कंफ्यूजन रहती है, मुझे भी रहती थी जब मैं पढ़ रहा था, बट अब क्लियर है तो तुम्हें भी समझा पा रहा हूं, ठीक है, बढ़िया। नेक्स्ट लिखो एक सब ग्रुप। ये सारे सब ग्रुप बना रहे हैं, ये सारे सब ग्रुप बना रहे हैं, ठीक है। दिस इज ऑल्सो सब ग्रुप, इज सब ग्रुप। ऐसे सारे एलिमेंट्स उठा लो, वो भी सब ग्रुप बनाएंगे, सब ग्रुप ऑफ जी, इस चीज का ध्यान रखना। नेक्स्ट पे चलो, नेक्स्ट हमारे पास है, अगर तुम ऐसे एलिमेंट्स उठा लेते हो, ये भी इंपॉर्टेंट है हमारे पास, अगर तुम कुछ ऐसे एलिमेंट्स उठा लेते हो, ऐसा कुछ। नेक्स्ट एग्जांपल है एक्स एच एक्स इनवर्स इक्वल टू एक्स एच एक्स इनवर्स फॉर ऑल एच बिलोंग्स टू एच इज अ सब ग्रुप ऑफ जी। ऐसे सारे एलिमेंट्स उठा लो ऐसे वाले, तो वो भी सब ग्रुप बनाने वाले। ये डायरेक्ट एग्जांपल पूछा जाता है पेपर में, इसलिए मैंने लिखवा दिया है। नेक्स्ट लिखो, नेक्स्ट हमारे पास क्या है, नेक्स्ट हमारे पास है, अगर मान लो ए हमारे पास एक नॉन एम्प्टी सेट है जो कि एक सब ग्रुप है, सबसेट है जी का, तो यहां पे एन ऑफ जी ये सब ग्रुप बनाने वाला है इफ फॉर एफ एक्स बिलोंग्स टू जी सच दैट एक्स ए एक्स इनवर्स इज इक्वल टू ए। वापिस ए ही मिल जाए मुझे, ठीक है। मतलब अगर तुम उस पर एक्स ऑपरेट करा भी देते हो तब भी वो सेम ही सेट हमें वापिस दे दे, तो ये भी हमारे पास ग्रुप बनाता है, ग्रुप में लेस देन का साइन आ जाता है, ठीक है। एग्जाम्पल्स इंपोर्टेंट है, फिर से बता दूं, बार बार बोल रहा हूं तो मतलब इंपोर्टेंट होंगे। नेक्स्ट मेरे पास एक चीज है जिसका नाम है सेल्फ इनवर्स, एक न्यू चीज आ गई, वैसे मैं ये ऑलरेडी बता चुका हूं। सेल्फ इनवर्स, सेल्फ इनवर्स क्या होता है भैया, सेल्फ इनवर्स मतलब ऐसे एलिमेंट जिनके इनवर्स वो खुद ही हो, और उनका ऑर्डर कितना होता है, एंड ऑर्डर ऑफ एलिमेंट इज टू।
ऑर्डर का मतलब मैं तुम्हें बता चुका हूं, ए स्क्वायर इज इक्वल टू ई होना चाहिए, ये तभी पॉसिबल है इफ ए इनवर्स इक्वल टू ए। ठीक है, खुद के ही जो इनवर्स होते हैं उनका ऑर्डर कितना होता है, टू होता है, ये मैं बता चुका हूं। बढ़िया, नेक्स्ट हमारे पास एक चीज आती है साइक्लिक ग्रुप। भैया ये साइक्लिक ग्रुप क्या होता है, जगह है हमारे पास अभी। साइक्लिक ग्रुप ऐसे ग्रुप है हमारे पास, नेक्स्ट लिख लो, साइक्लिक ग्रुप ऐसे ग्रुप है जो कि एक ही एलिमेंट, अगर एक एलिमेंट पूरे ग्रुप को जनरेट कर दे उसे साइक्लिक एलिमेंट साइक्लिक ग्रुप कहते हैं। डेफिनेशन मैं लिखवाना चाहूंगा ए, जैसे मैंने तुम्हें डी फोर डीएन लिखवाया था, डीएन में मैंने क्या कहा था, वो एक्स आई वाई जे पूरे ग्रुप को जनरेट कर देता, तो वो साइक्लिक है। ऐसे ही एक ए एलिमेंट है जो पूरे ग्रुप को अगर जनरेट कर दे, वेयर आर बिलोंग्स टू इंटीजर, क्योंकि हमें पॉजिटिव पावर भी चाहिए नेगेटिव पावर भी चाहिए, अब हम गलती नहीं करेंगे। अबेलियन मैंने नहीं कहा इसमें, तो अबेलियन नहीं कहा है, तो ए की पावर आर कैसा होना चाहिए, मतलब आर कैसा होना चाहिए, इंटीजर, पॉजिटिव पावर भी नेगेटिव भी, अगर ए एग्जिस्ट कर रहा है ए इनवर्स भी एग्जिस्ट करना चाहिए, तो ये ए को क्या बोलते हैं, जनरेटर। ठीक है, जनरेटर। प्रॉपर्टीज लिखते हैं इसकी, प्रॉपर्टीज इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला तो यही क्वेश्चन आता है कि भैया क्या भैया अबेलियन ग्रुप साइक्लिक होते हैं या साइक्लिक अबेलियन होते हैं, वो बताओ। तो लिख लो एवरी साइक्लिक ग्रुप इज अबेलियन, ध्यान से लिख लो, पहली प्रॉपर्टी है एवरी साइक्लिक ग्रुप इज अबेलियन, एवरी साइक्लिक ग्रुप इज अबेलियन, पहला ही है। कन्वर्स नॉट ट्रू, नॉट ट्रू, कन्वर्स नॉट ट्रू। कन्वर्स में मैं तुम्हें बहुत सारे अभी एग्जांपल दूंगा जब मैं नेक्स्ट लेक्चर लूंगा, बट अभी के लिए याद रखो कन्वर्स ट्रू नहीं होता, सारे अबेलियन साइक्लिक नहीं होते। अब भैया मैट्रिसेस का स्पेस, मैट्रिक्स स्पेस ले लू, मान लो कोई मैं ऐसी रैंडम कोई अबेलियन ग्रुप ले लू, नहीं होगा वो साइक्लिक, जरूरी थोड़ी एक ही एलिमेंट उसको जनरेट करेगा, बिल्कुल भी नहीं, एक एलिमेंट थोड़ी जनरेट कर देगा उसको। ठीक है, जरूरी नहीं है। मतलब एक और चीज, इफ जी इज इनफाइनाइटली इनफाइनाइट साइक्लिक ग्रुप, मतलब उसके बीच में एलिमेंट कितने हैं, इनफाइनाइट एलिमेंट्स हैं, तो उसके दो ही जनरेटर हो सकते हैं। ठीक है, देन ये फिक्स है। ठीक है, जैसे मैं जेड का एग्जांपल ले सकता हूं, जेड को कौन जनरेट कर सकता है भैया, वन कर सकता है, आप वन को प्लस करते रहो अलग अलग एलिमेंट आते रहेंगे, ऐसे ही माइनस वन से भी जनरेट कर सकता हूं, तो दो ही इसके जनरेटर एग्जिस्ट करेंगे, टू से थोड़ी वन बना दोगे। ठीक है, तो समझ में आ रहा है ना, टू 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 को ऐड करते रहोगे इवन ही तो मिलेंगे, थ्री 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 को ऐड करोगे ओड ही तो मिलेंगे, ओड इवन मिलेंगे, लेकिन कुछ एलिमेंट छूट जाएंगे, वन और माइनस वन से कुछ नहीं छूटेगा। तो देन जी हैज एग्जैक्टली टू जनरेटर्स। इस चीज का ध्यान रखना पड़ेगा, इंपॉर्टेंट चीज थी, लिखनी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास, अगर हमारे पास जी एक फाइनाइट ग्रुप है, जी इज फाइनाइट ग्रुप, तो एक चीज ध्यान रखेंगे, ऑर्डर ऑफ ए इज इक्वल टू ऑर्डर ऑफ जी, मतलब अगर मान लो जी के अंदर एन एलिमेंट्स हैं, साइक्लिक ग्रुप के अंदर एन एलिमेंट्स हैं, तो ए की पावर एन क्या होता है, आइडेंटिटी होता है। ठीक है, तो कुछ ऐसा ग्रुप बनने वाला है, ए स्क्वायर ए क्यूब अप टू सोन चलते चलते a-1 ए एन विच इज इक्वल टू आइडेंटिटी, तो ऐसा कुछ साइक्लिक ग्रुप हमें देखने को मिलेगा। ठीक, बढ़िया भैया, बहुत अच्छे, काफी सारी प्रॉपर्टीज हो गई हैं, लेकिन प्रॉपर्टीज आर नथिंग इफ वी डोंट डू क्वेश्चंस, तो उसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहने वाला है। एवरी प्राइम ऑर्डर ग्रुप इज साइक्लिक, ये इंपॉर्टेंट थी। प्राइम ऑर्डर पे तुम इस पे वो कर लेना अंडरलाइन, ताकि हमें याद रहे कि ये क्या होता है। एवरी इनफाइनाइट ग्रुप हैज इनफाइनाइट नंबर ऑफ सब ग्रुप्स, एवरी इनफाइनाइट ग्रुप हैज इनफाइनाइट नंबर ऑफ सब ग्रुप्स। सब ग्रुप क्या होता है, मतलब उसके ऐसे छोटे छोटे पार्ट एग्जिस्ट करने चाहिए जो खुद में भी ग्रुप हो, सारी प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कर रहे हो ग्रुप की। एवरी प्रॉपर सब ग्रुप ऑफ अ ग्रुप इज साइक्लिक, एवरी प्रॉपर सब ग्रुप ऑफ अ ग्रुप जी इज साइक्लिक, इंप्लाइज जी इज साइक्लिक, ऐसा नहीं होता, ऐसा नहीं होता। मतलब अगर सारे के सारे जो हमारे पास
सारे के सारे प्रॉपर सब ग्रुप जो है, प्रॉपर सब ग्रुप मतलब उसके छोटे छोटे जितने भी पार्ट्स एग्जिस्ट कर रहे हैं, मान लो वो साइक्लिक है, तो क्या जी भी साइक्लिक होगा? जरूरी नहीं है, जरूरी नहीं है, बिल्कुल भी जरूरी नहीं है। ठीक है, इस चीज को ध्यान रखना। अभी मैं प्रॉपर इम्प्रॉपर पे और भी बात करने वाला हूं, तो इस चीज का थोड़ा सा भी ध्यान रखते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आ रहा है, थोड़ी सी चीजें रह गई हैं, फिर मैं क्वेश्चन ग्रुप और उसके पे आने वाला हूं। सारी चीजें आज लिख के जाएंगे जितनी भी पॉसिबल हो सकती है, ताकि एक वीडियो तो हमारे पास ऐसी हो जिसमें पूरी ग्रुप थ्योरी पढ़ी हो। रिवाइज करने के लिए फटाफट सारे कॉन्सेप्ट रिवाइज कर लो, है ना। चलो नेक्स्ट हमारे पास है, देयर एग्जिस्ट इफ देयर एग्जिस्ट, नेक्स्ट लिख लो, देयर एग्जिस्ट फाइनाइट ग्रुप, फाइनाइट ग्रुप, देयर एग्जिस्ट फाइनाइट ग्रुप हुज ईच प्रॉपर सब ग्रुप इज साइक्लिक, हुज ईच प्रॉपर सब ग्रुप इज साइक्लिक बट ग्रुप इज नॉट साइक्लिक, नॉट साइक्लिक। आगे जाके मैं बताऊंगा, Q8 एक ऐसी चीज है, Q8 अभी बताया था ना, वो प्लस माइनस वन, प्लस माइनस आई, प्लस माइनस जे, प्लस माइनस के, वो एक ऐसा एलिमेंट है जिसका अगर तुम सारे के सारे प्रॉपर सब ग्रुप्स लोगे ना, सारे साइक्लिक मिलेंगे, लेकिन खुद साइक्लिक नहीं है, खुद नहीं एक एलिमेंट से जनरेट हो सकता, लेकिन जितने भी उसके छोटे छोटे पार्ट्स एग्जिस्ट होंगे जो सब ग्रुप हैं, वो सारे के सारे साइक्लिक बनाने वाले हैं। इस चीज का ध्यान रखना होगा। ठीक है भैया, ये प्रॉपर का मतलब नहीं समझ आ रहा है। प्रॉपर का मतलब होता है, देखो सब ग्रुप में दो सब ग्रुप तो फिक्स होते हैं, एक आइडेंटिटी एलिमेंट, अकेला आइडेंटिटी एलिमेंट भी सब ग्रुप बनाता है, एक वो ग्रुप इटसेल्फ, इन दोनों को छोड़ दो, बाकी जितने भी हैं उनको देखना, वो सारे प्रॉपर होने वाले। ठीक है, वो प्रॉपर तो ये इम्प्रॉपर, एज सिंपल एज दैट। ठीक है, ये दो सब ग्रुप तो एग्जिस्ट करते ही करते हैं, इनको तो छेड़ना ही नहीं है। अरे भैया तुम मान लो इलेक्शन में खड़े हो गए, अरे घर के तो वोट मिलेंगे, घर के वोट तो मिलेंगे तुम्हें कम से कम दो, माँ बाप के, भाई बहन तो नहीं देंगे, वो तो अलग बात है। चलो, देन ग्रुप इज नॉट साइक्लिक, ऐसा एग्जिस्ट करता है, Q8 एग्जाम्पल तुम लिख सकते हो, इसमें और भी एग्जाम्पल बताएंगे जब हम क्वेश्चंस कराएंगे। इफ जी साइक्लिक ऑफ ऑर्डर एन, इफ जी साइक्लिक ऑफ ऑर्डर एन, देन ए रेस टू पार्क के, ए रेस टू पार्क के इज जनरेटर इफ जीसीडी ऑफ इज, इफ एंड ओनली इफ जीसीडी ऑफ के एंड एन इज वन। बस इतनी सी बात थी। अगर ए इसका, ए की पावर के जनरेटर कब हो सकता है? तभी हो सकता है जब के और एन का जीसीडी वन आना चाहिए। ठीक है, वरना वो इसका जनरेटर नहीं हो सकता। एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज आने वाली है, इस पर तो वेरी इंपॉर्टेंट लिख सकते हो, कभी वो पूछ ले कितने नंबर ऑफ जनरेटर्स एग्जिस्ट कर रहे हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तो लिख लो। इस पे तो मैं पक्का गारंटी दे सकता हूं, तुम्हें क्वेश्चन बनने ही बनने वाला है, प्रीवियस ईयर में हर साल में आता है इस पे क्वेश्चन। तो नंबर ऑफ जनरेटर्स, जनरेटर्स ऑफ अ साइक्लिक ग्रुप, हर साल क्वेश्चन बन रहा है यार इस पे, ऑफ अ साइक्लिक ग्रुप ऑफ ऑर्डर एन, ऑर्डर एन इज फाइव ऑफ एन। भैया ये फाइव ऑफ एन क्या होता है? अच्छा, स्टार्टिंग से वीडियो देख रहे बेटे, स्टार्टिंग में बताया था इसे ऑयलर फाई फंक्शन कहते हैं, वही वाला है ये, एन के कोप्राइम जितने भी होते हैं, जिसमें अभी मैंने प्रॉपर्टी बताई थी पी की पावर एन, पी की पावर एन माइनस वन बताई थी ना, वही वाले। तो ये हमारे पास कुछ साइक्लिक ग्रुप की प्रॉपर्टीज थी जिसे हमें जानना था। नेक्स्ट हमारे पास आ रहा है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ साइक्लिक ग्रुप, फंडामेंटल, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ साइक्लिक ग्रुप। फंडामेंटल थ्योरम क्या कहती है भैया? फंडामेंटल थ्योरम कहती है, अगर मान लो तुम्हें ऑर्डर ऑफ एन एलिमेंट पता है एन, और एक ग्रुप जी है जो कि ए से जनरेट हो रहा है, ए उसको जनरेट कर रहा है, देन लिखो, देन फॉर ईच डिवाइजर, देन फॉर ईच डिवाइजर, ईच डिवाइजर के ऑफ एन, के ऑफ एन, जी हैज यूनिक सब ग्रुप। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इस पे बहुत सारे क्वेश्चन कराऊंगा और साथ साथ बताऊंगा कि ये फंडामेंटल थ्योरम ऑफ साइक्लिक ग्रुप से आया था। हैज यूनिक सब ग्रुप ऑफ ऑर्डर, ऑफ ऑर्डर के, सच दैट ए इक्वल टू एन बाय के,
इस पर मैं बहुत सारे क्वेश्चन कराने वाला हूं, ये बताती है कि हमारे कितने और सब ग्रुप एग्जिस्ट कर सकते हैं, तो श्योरिटी देती है कि ये सब ग्रुप तो एग्जिस्ट करेंगे ही करेंगे ये वाले, ठीक है। चलो आगे चलते हैं, नेक्स्ट हमारे पास एक चीज आती है, ये भी वेरी इंपॉर्टेंट लिख लो, एक ये वेरी इंपॉर्टेंट लिखवाया है, इस पे लिखवा रहा हूं वेरी इंपॉर्टेंट, इन पे ये वो चीजें हैं वेरी इंपॉर्टेंट वाली जिसपे हमेशा बनते ही बनते हैं। मान लो जी एक साइक्लिक ग्रुप है, ए से जनरेट हो रहा है और ऑर्डर ऑफ ए दे रखा है एन, तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ऑर्डर डी इन जी इज इक्वल टू फाइव ऑफ डी, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। जैसे मान लो मैं तुम्हें कोई साइक्लिक ग्रुप दूं और कह दूं बताओ ऑर्डर 10 के कितने एलिमेंट्स हैं, ऑर्डर 10 के कितने एलिमेंट्स हैं, क्या करोगे, गिनने बैठोगे, सबके निकालने बैठोगे ऑर्डर? नहीं भैया, हम निकालने नहीं बैठेंगे, राजन भाई हमारे साथ है तो हम ऐसा क्यों करेंगे, तो तुम क्या करोगे उसके बाद हम ये फाइव ऑफ डी निकाल लेंगे, ठीक है। फाइव ऑफ डी का मतलब ऑयलर फंक्शन ऑफ डी, ठीक है, मतलब जीसीडी जिनके साथ भी वन होगा, जितने भी जीसीडी डी के साथ वन बनाएंगे वो नंबर आ जाएंगे जो कि डी से छोटे होंगे, ठीक है, बढ़िया, बहुत अच्छे। नेक्स्ट पे चलते हैं, नेक्स्ट हमारे पास आने वाली एक न्यू टर्म जिसका नाम है कोसेट। अब भैया ये कोसेट क्या होता है, कोसेट ऐसे समझ लो कि अब मुझे और सब ग्रुप्स बनाने हैं, कैसे बनाऊं और सब ग्रुप, तो कुछ तो मेथड हमें लगाना पड़ेगा, उसी के लिए हम एक चीज इंट्रोड्यूस करने वाले हैं जिसका नाम है कोसेट, काफी इंपॉर्टेंट चीज है कोसेट, क्योंकि अभी हम आगे जाकर नॉर्मल सब ग्रुप क्वेश्चन सब ग्रुप पढ़ेंगे, वहां पर जाके कोसेट ही काम में आएंगे, तो लिखो कोसेट, दिखाई दे रहा है, हाँ कोसेट लिखो। कोसेट हमारे पास करते दो तरह के कोसेट होते हैं, एक राइट कोसेट लेफ्ट कोसेट, तो एक है एच ए और एक है ए एच। एच ए कुछ ऐसे होता है हमारे पास वेयर एच बिलोंग्स टू एच, और दूसरा हमारे पास है ए एच वेयर ए बिलोंग्स एच बिलोंग्स टू एच। क्या भैया ये दोनों आपस में इक्वल होते? नहीं, अब एलियन थोड़ी कहा मैंने, ठीक है, याद है ये जो एच है सब ग्रुप होना चाहिए, हेयर एच इज सब ग्रुप ऑफ जी, तब हम ये बना रहे हैं, सब ग्रुप होना चाहिए, ठीक है, इस चीज का ध्यान रखेंगे। इसके बारे में कुछ प्रॉपर्टीज भी लिखाऊंगा, ऐसे जितने भी बना सकते हो, तुमने एक सब ग्रुप बना दिया, अब अलग अलग एलिमेंट तुम लेते जाओ जी से, ये ए कहां से आ रहा है, ए आ रहा है जी से, ये ध्यान रखना, ए बिलोंग्स टू जी, ए बिलोंग्स टू जी, तुम अलग अलग बना सकते हो। एच तुमने एक बना दिया, अब जी से एलिमेंट उठाते रहो उठाते, क्या भैया ये ए ये जी है ये एच है, क्या भैया ये ए यहां से होना चाहिए या यहां से होना चाहिए, ये भी तो जी में आ रहा है, कोई भी हो सकता है, ठीक है। अगर यहां से उठा रहे हो तो तुम्हें अभी एक चीज बताऊंगा, अगर यहां से उठा रहे हो तो यूनिक कोसेट बनेगा, यूनिक कोसेट बनेगा, अभी दिखाता हूं तुम्हें एक चीज, प्रॉपर्टी अभी दिखाऊंगा ना तो हैरान हो जाओगे एक प्रॉपर्टी में, तुम देखो ये हमारे पास आ गया है, उसके बाद एक चीज आती है जिसे कहते हैं इंडेक्स, इंडेक्स ऑफ अ सब ग्रुप। इंडेक्स क्या होता है, इंडेक्स का मतलब कितने नंबर ऑफ कोसेट पॉसिबल है उसे इंडेक्स कह देंगे। भैया अगर इन्फानेट ग्रुप हुआ, इन्फानेट सब ग्रुप हुआ, तो उसके इन्फानेट कोसेट उसका इंडेक्स इन्फानेट आ जाएगा, लेकिन हम फाइनाइट की बात करें तो लिख लो इंडेक्स ऑफ एच विच इज सब ग्रुप ऑफ जी इज इक्वल टू इज नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट कोसेट, जितने भी डिस्टिंक्ट अलग अलग बना सकते हो, डिस्टिंक्ट राइट और लेफ्ट कोसेट, राइट और लेफ्ट कोसेट ऑफ एच इन जी, ऑफ एच इन जी। इसको डिनोट कैसे करते हैं, या तो तुम आई ऑफ एच से ऐसे कर लो, या तुम और ऐसे भी कर सकते हो, इन दोनों में से कोई भी सिंबल तुम ले सकते हो, ठीक है, चीज को ध्यान रखना। नेक्स्ट हमारे पास आती हैं प्रॉपर्टीज, जो कि मेन मैं तुम्हें बताना चाह रहा हूं। भैया इंडेक्स पे बहुत सारे क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं, ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट लिख लो इस पे, वेरी इंपॉर्टेंट तो नहीं लिखवाऊंगा लेकिन इंपॉर्टेंट है, पूछे जा सकते हैं इस पे, ठीक है। सबसे पहली प्रॉपर्टी तो यही आती है, सबसे फर्स्ट प्रॉपर्टी तो यही है, इफ एच इज अ सब ग्रुप ऑफ जी एंड ए बी बिलोंग्स टू जी, ये सब में कॉमन ही रहेगी आगे की प्रॉपर्टीज में, ए एच जो है वो एच के ही इक्वल आ जाएगा। अरे भैया तुम कोई भी सेट के एलिमेंट में, जैसे मान लो मैंने एक सेट लिया 1 2 3 4 5 6 अप टू सोन, और तुमने एक, ये एच है, तुमने इसी का ही एक एलिमेंट उठा लिया 3 और उसको एच से मल्टीप्लाई करना स्टार्ट किए, कहां जाएगा ये वापस इसी में ही आ जाएगा, इसी के ही एलिमेंट्स वापस आ जाएंगे, इस चीज को ध्यान रखना पड़ेगा, तुम इसी के ही एलिमेंट्स वापस आ जाएंगे। तो ये अगर तुम ए जो है एच में से ही उठा लेते हो, इफ एंड ओनली इफ ए बिलोंग्स टू एच, मतलब अगर तुम ए एच में से ही उठा लेते हो तो वापस वहीं आ जाओगे,
कोई फायदा ही नहीं होगा, कोसेट बनेगा ही नहीं। कोसेट बनाने के लिए तुम्हें ए ऐसा लेना पड़ेगा, कहां गया ये रहा, ए ऐसा लेना पड़ेगा जो कि जी में हो लेकिन एच में ना हो, तो एक यूनिक कोसेट बनने वाला है। दूसरी प्रॉपर्टी लिखो जो मैं बोल रहा हूं ना, एक भी चीज ऐसे इधर उधर की नहीं आज बात कर रहा हूं मैं, क्योंकि मेरे को पता है टाइम प्रीशियस है अब हमारा, तो ध्यान से ये लिखते जाओ यार साथ साथ, ठीक है? फिर आज की शायरी नहीं सुनाएंगे तुम्हें। ए एच इज इक्वल टू बी, ए एच इक्वल टू बी एच, ये कब पॉसिबल है? नहीं, ए एच इक्वल टू बी एच होगा और ए एच इंटरसेक्शन बी एच क्या आने वाला है, फाई आने वाला है। भैया इसका मतलब क्या होगा, या तो कोसेट इक्वल होंगे या उसमें एक भी एलिमेंट कॉमन नहीं होगा। मैं ये लिख भी देता हूं, कोसेट्स आर आइडेंटिकल, या तो वो आइडेंटिकल होते हैं और डिसजॉइंट। बस इस चीज का ध्यान रखो, या तो कोसेट आइडेंटिकल होंगे, सेम ही होंगे दोनों के दोनों, या तो दोनों में कोई रिलेशन ही नहीं होगा, एक एलिमेंट कभी कॉमन नहीं आ सकता। ऐसे नहीं होगा एक कोसेट और दूसरे कोसेट में सिर्फ एक एलिमेंट कॉमन आ गया, नहीं, या तो वो बिल्कुल ही सेम होंगे, एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, या तो कोसेट बिल्कुल ही सेम होंगे डिट्टो कॉपी, या तो उसमें एक भी एलिमेंट कॉमन नहीं आएगा। ये चीज को ध्यान रखना पड़ेगा। मैं बना के भी दिखा सकता हूं यार, ए प्लस एच करके इतने सारे कोसेट बना के दिखा देंगे, लेकिन उसको सेपरेट ही रहने देते हैं क्वेश्चन के साथ, ठीक है? नेक्स्ट हमारे पास एक चीज आ रही है जिसका नाम है, अगर मान लो ए एच इक्वल टू बी एच है, ये तभी पॉसिबल है इफ एंड ओनली इफ ए बी इनवर्स बिलोंग्स टू एच, और ऐसे भी कह सकते हो और ए एच इज इक्वल टू ए एच ए इनवर्स। ये यार इसका कोई इतना ज्यादा बड़ा यूज नहीं आएगा, बस ये ऐसे समझ लो कि एमसीक्यू में आ सकता है, ठीक है? डायरेक्ट पूछा जाएगा, इस पर क्वेश्चन नहीं बनते हैं ज्यादा क्या, इस पर बनते ही नहीं है, ठीक है भैया? बहुत अच्छे, नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास एक चीज आ रही है जिसका नाम है लैग्रांज थ्योरम। अब भैया ये लैग्रांज थ्योरम क्या होती है बताते हैं। लैग्रांज थ्योरम हमें कहती है, सबसे पावरफुल थ्योरम है ये, एटलीस्ट कल मुझे नोट्स नहीं, मतलब कल बोल रहा हूं बार बार, क्योंकि आज में ही बनेगी, एक ही बन पाएगी वीडियो, मतलब नेक्स्ट वीडियो जो आएगी उसमें मुझे नोट्स नहीं बनवाने पड़ेंगे अब, है ना? नोट्स तो तुम्हारे पास पहले से ही होंगे। तो मैं लिखवा रहा था कि ये क्या होती है, मान लो जी एक फाइनाइट ग्रुप है, तो फाइनाइट ग्रुप होने से क्या होता है भैया, तो ऑर्डर ऑफ एच ऑलवेज डिवाइड्स ऑर्डर ऑफ जी, ठीक है? इस चीज का ध्यान रखना पड़ेगा। बट कन्वर्स इज नॉट ट्रू। भैया इसका कन्वर्स है क्या, हमें तो थ्योरम ही नहीं समझ आई, बताते हैं। इसका मतलब है अगर कोई भी सब ग्रुप एग्जिस्ट करता है तो उसका सब ग्रुप का ऑर्डर ग्रुप के ऑर्डर को हमेशा डिवाइड करेगा। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, सब ग्रुप का ऑर्डर ग्रुप के ऑर्डर को हमेशा डिवाइड करेगा। बट कन्वर्स इज नॉट ट्रू, मतलब अगर कोई भी सेट का ऑर्डर अगर ग्रुप के ऑर्डर को डिवाइड करता है, क्या वो सब ग्रुप होगा? नहीं, जरूरी नहीं है। आगे जाके इसका एग्जांपल भी बताएंगे, ठीक है? कि मतलब अगर इसका, ऐसे तो मैं सारे के सारे निकाल लेता हूं भैया जो जो इसको डिवाइड करेंगे, जैसे 10 है, 10 को जो जो भी डिवाइड करता मैं निकाल लेता हूं, 1 हो गया, 2 हो गया, जितने भी हैं सारे निकाल लेता हूं। क्या ये सारे ऑर्डर के ग्रुप एग्जिस्ट करेंगे, सब ग्रुप एग्जिस्ट करेंगे? नहीं। लेकिन ये पक्का है जितने सब ग्रुप होंगे उसके ऑर्डर इसको डिवाइड करेंगे। समझ पाए? वरना रिमाइंड करके दोबारा देख लो, बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है, बहुत ज्यादा। इसकी एक सबसे पहली प्रॉपर्टी लिख लो, ऑर्डर ऑफ ए ऑल्सो डिवाइड्स ऑर्डर ऑफ जी। एलिमेंट के ऑर्डर भी क्या करते हैं, ग्रुप के ऑर्डर को डिवाइड करते हैं। एवरी ग्रुप ऑफ प्राइम ऑर्डर, ये सारी इसी की प्रॉपर्टीज हैं, इसी से ही निकल रही है कॉन्सिक्वेंसेस। इसको आफ्टरमैथ बोलेंगे, आफ्टरमैथ। क्या भैया इतना अंग्रेजी का वर्ड यूज कर दिया भारी आपने, आफ्टरमैथ। कॉन्सिक्वेंस होता है इसका मतलब। एवरी ग्रुप ऑफ प्राइम ऑर्डर इज साइक्लिक, एवरी ग्रुप ऑफ प्राइम ऑर्डर इज साइक्लिक। तो मैं भैया पहले भी लिखवा दिया था, दो दो बार लिखवा रहे हो आप। ऑर्डर ऑफ ए डिवाइड्स ऑर्डर ऑफ जी, लेकिन मैंने क्या बताया था तुम्हें, मैंने ये बताया था कि अगर मान लो ए की पावर एम इक्वल टू आइडेंटिटी है, क्या इसका मतलब है एम इज ऑर्डर ऑफ ए? नहीं, गलत। इसका मतलब है एम डिवाइड्स ऑर्डर ऑफ ए। इस चीज का ध्यान रखना।
अरे भैया उससे भी छोटी पावर क्या पता एग्जिस्ट कर जाए, एम से क्या पता एम से भी छोटी पावर एग्जिस्ट कर जाए। तो ऑर्डर ऑफ ए के पावर में अगर मैं ऑर्डर ऑफ ग्रुप लगा दूं तो वो आइडेंटिटी बनने वाला है। यहां से इसका ऑर्डर इसको डिवाइड कर रहा है ना, तो अगर इसका ए का ऑर्डर है एन, तो ये कुछ एन का ही तो मल्टीपल होगा, और एन का मल्टीपल तुम यहां पर रखोगे। जैसे मान लो ऑर्डर ऑफ ग्रुप है जी एम, ऑर्डर ऑफ ए हमारे पास एन, तो एन इक्वल टू एम के मान लो, एम इज इक्वल टू एन के मान लो, ठीक है, या फिर n इज इक्वल टू एम बाई के मान लो। तो यहां से तुम कह सकते हो a इज इक्वल टू a की पावर m बाई के, कुछ गलत कर रहे हैं ना, हाँ m इक्वल टू एन के। तो यहां से तुम a की पावर n, n की जगह क्या लिख सकते हो, सॉरी a की पावर m लिखनी है इसके अकॉर्डिंग, विच इज n के, विच इज ए की पावर एन उसकी पावर के, विच इज आइडेंटिटी की पावर के, विच इज आइडेंटिटी। तो इसका मतलब है कि और ए की पावर अगर ग्रुप का ऑर्डर भी रखोगे तो भी वो आइडेंटिटी ही आती है। ठीक है, बढ़िया भैया, बहुत अच्छे, साथ साथ एक्सप्लेनेशन भी दिख रही है। लैग्रांज थ्योरम हमें समझ आ गई है। नेक्स्ट लिखो प्रोडक्ट ऑफ सब ग्रुप्स। इस पर ऑल्दो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है बट फिर भी मैं एक बार लिखवा रहा हूं ताकि कुछ छूट ना जाए। प्रोडक्ट ऑफ सब ग्रुप्स, ये हमारे पास है एच के इज इक्वल टू एच के स्मॉल के, वेयर एच बिलोंग्स टू एच एंड के बिलोंग्स टू कैपिटल के। ठीक है, ये हमारे पास है इस सब ग्रुप, ये सब ग्रुप होने वाला है इस सब ग्रुप इफ एंड ओनली इफ एच के इज इक्वल टू के एच। अब एलियन होने चाहिए, एंड अगर ऐसी चीज होती है तो ऑर्डर ऑफ एच के क्या आ जाएगा, ऑर्डर ऑफ एच ऑर्डर ऑफ के अपॉन ऑर्डर ऑफ एच इंटरसेक्शन के, ये हो जाने वाला हमारे पास। ठीक है, इस चीज का थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। ये थी भैया हमारे पास कुछ चीजें जिसको हमें डिस्कस करना था। तो हाफ पार्ट हमने कंप्लीट कर लिया है, आज ग्रुप थ्योरी कंप्लीट करके जाएंगे, नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं कंजुगेट क्लासेस। आज यार मैं थोड़ी बातें कम करना चाहूंगा, बातें करने के लिए तो और भी बहुत सारी वीडियोज मैं बना ही लेता हूं, जल्दी लाइव आ जाएंगे तुमसे बातें कर लेंगे, आज पढ़ लेते हैं। ठीक है, तो आज अगर सिर्फ पढ़ाई 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 अगर मैं कर रहा हूं तो सो सॉरी फॉर दैट, सो सॉरी का अच्छे के लिए कर रहे हैं तुम्हारे। चलो लिखो कॉन्जुगेस, कॉन्जुगेसी क्लासेस, कॉन्जुगेसी क्लासेस एंड क्लास इक्वेशन, क्लास इक्वेशन। यार ये तो मैं टॉपिक समझा ही नहीं पाऊंगा, इसकी तो सिर्फ मतलब ये समझाने वाला है ही नहीं, इस पर तो डायरेक्ट क्वेश्चंस ही बनते हैं। तो फिर भी मैं अपनी कोशिश करूंगा जैसे मैं प्रिपेयर करके आया हूं कि तुम्हें बताया जाए, वैसे एक बार ट्राई करते हैं अगर मैं बता सकता हूं तो। सबसे पहली चीज क्या है, कॉन्जुगेट एलिमेंट क्या होते हैं, तो लिखो कॉन्जुगेट एलिमेंट। कॉन्जुगेट एलिमेंट ऐसे होते हैं इन अ ग्रुप, इन अ ग्रुप कॉन्जुगेट एलिमेंट इन अ ग्रुप, ये हमारे पास क्या होते हैं, इफ ए बी बिलोंग्स टू जी देन बी इज कॉन्जुगेट ऑफ ए, इफ बी को मैं ऐसे लिख सकता हूं एक्स ए एक्स इनवर्स फॉर सम ए बिलोंग्स एक्स बिलोंग्स टू जी, अगर ये कंडीशन फुलफिल होती है तो मैं क्या कहूंगा बी को ए का कॉन्जुगेट, बी को क्या कहूंगा ए का कॉन्जुगेट। भैया इसका यूज क्या है, अभी आगे जाके बताएंगे इसका यूज क्या होता है, कुछ प्रॉपर्टीज लिखवाएंगे, डायरेक्ट प्रॉपर्टीज पूछ ली जाती है। नेक्स्ट है कॉन्जुगेसी क्लासेस, क्लासेस, ठीक है, ये हमारे पास क्या है भैया, अगर तुम ऐसे सारे एलिमेंट्स को उठा लो जितने भी बी एग्जिस्ट करते हैं, जितने भी ऐसे बी एग्जिस्ट करते हैं सबको उठा लो और उसको एक उसका एक सेट बना दो, तो उसे क्या कहेंगे कॉन्जुगेसी क्लासेस, एक्स ए एक्स इनवर्स एक्स बिलोंग्स, तो उसे क्या कहेंगे कॉन्जुगेसी क्लासेस ऑफ ए। सारे ऐसे एलिमेंट्स उठा लो जो इनसे बनेंगे, ऐसे कॉम्बिनेशन से बनेंगे, उस कॉम्बिनेशन की क्लास को कॉन्जुगेसी क्लासेस कहते हैं। क्वेश्चंस करेंगे तो मजा आएगा, ठीक है, इस पे। नेक्स्ट है सेल्फ कॉन्जुगेट, सेल्फ कॉन्जुगेसी का मतलब क्या होता है, जो एलिमेंट का सिर्फ खुद ही मतलब ए इज इक्वल टू एक्स ए एक्स इनवर्स हो, सिर्फ यही हो तो उसे सेल्फ कॉन्जुगेसी कहते हैं। ठीक है, सेल्फ कॉन्जुगेट एलिमेंट।
एलिमेंट, ठीक है, ये हमारे पास होगा इफ ए इज कंजुगेट टू इटसेल्फ ओनली, इटसेल्फ ओनली, तो उसे सेल्फ कंजुगेट एलिमेंट कहेंगे। अब आते हैं इसके कुछ प्रॉपर्टीज पे, अब इसके कुछ प्रॉपर्टीज पे आते हैं। बढ़िया भैया, बहुत अच्छे, चलो प्रॉपर्टी सबसे पहली ये है, एवरी एलिमेंट ऑफ एन अबेलियन ग्रुप, अबेलियन में खुद का ही सेल्फ कंजुगेट होता है। रीजन भैया, क्योंकि मैंने तुम्हें अभी बताया था ऑर्डर ऑफ ए कितना होता है, टू। एवरी एलिमेंट ऑफ एन अबेलियन ग्रुप, एवरी एलिमेंट ऑफ एन अबेलियन ग्रुप ग्रुप इज सेल्फ कंजुगेट, सेल्फ कंजुगेट। सेकेंड पॉइंट लिखो, अगर मैं सेंटर की बात करूं, सेंटर ऑफ अ ग्रुप, तो जेड जी इज द कलेक्शन ऑफ, इज द कलेक्शन ऑफ ऑल सेल्फ कंजुगेट एलिमेंट्स, ऑल सेल्फ कंजुगेट एलिमेंट्स। तो ये तो तुम्हें बहुत इंपॉर्टेंट बात पता लग गई है कि साइक्लिक ग्रुप अगर तुम्हें, सॉरी साइक्लिक नहीं, सेंटर ऑफ अ ग्रुप अगर तुम्हें दिख गया, जिसमें वो बताया था ना कि ऐसे सारे एलिमेंट्स ढूंढो जो अबेलियन हो रहे होंगे उसके साथ, खुद के, जो अबेलियन ग्रुप हो रहे होंगे ए के साथ, वो सारे एलिमेंट्स डाल दो, तो उसमें सारे के सारे एलिमेंट्स क्या मिलते हैं तुम्हें, सेल्फ कंजुगेट मिलते हैं। ध्यान रखना इस बात को, जी इज अबेलियन, ये प्रॉपर्टी यहां क्यों आई है, इसका बहुत बड़ा रीजन है, बट अभी के लिए लिख लो, इफ जी इज अबेलियन इफ एंड ऑनली इफ, सॉरी जी इज अबेलियन इफ एंड ऑनली इफ जी इज इक्वल टू जेड जी। ये भैया यहां पर क्यों आई है, अरे भैया मैंने तुम्हें पहले ही कहा था जेड में कौन कौन से एलिमेंट आते हैं जो कम्यूट करें, और अबेलियन में भी तो कम्यूटेटिविटी शो होती है। हाँ, तो ये टू वे रिजल्ट है इफ एंड ओनली इफ वाला, ठीक है। फोर्थ प्रॉपर्टी लिखो, अगर तुम्हें कभी भी सेंटर ऑफ अ ग्रुप बनाना है तो एक काम करो, नॉर्मलाइजर ऑफ ए क्या होता था भैया, ऐसे एलिमेंट जो ए के साथ कम्यूट करें, ऐसे एलिमेंट जो बी के साथ कम्यूट करें वो एन ऑफ बी हो जाएगा, एन ऑफ सी हो जाएगा। अगर तुम सबका इंटरसेक्शन ले लोगे, सारे एलिमेंट्स का इंटरसेक्शन ले लोगे, तो वो हमारे पास सेंटर ऑफ ग्रुप के इक्वल हो जाने वाला है, वेयर एन इज नॉर्मल, नॉर्मलाइजर, और जेड क्या है, सेंटर ऑफ ग्रुप। ये इंपॉर्टेंट बात थी, अगर तुम सबका इंटरसेक्शन ले लोगे, इंटरसेक्शन यूनियन नहीं, अगर तुम सबका इंटरसेक्शन ले लोगे तो वो सेंटर ऑफ ग्रुप बताने वाला, बनाने वाला है, ठीक है। बढ़िया से लिख लो एकदम। नेक्स्ट हमारे पास एक प्रॉपर्टी आ रही है, अगर ए कॉन्जुगेट है बी का तो दोनों का ऑर्डर सेम होता है। लेकिन भैया उल्टा ट्रू होता होगा ये, नहीं उल्टा ट्रू नहीं होता, लिख लो, इफ ए इज कॉन्जुगेट टू बी देन ऑर्डर ऑफ ए इक्वल टू ऑर्डर ऑफ बी, यही लिख देते हैं वैसे तो, इफ ए कॉन्जुगेट टू बी देन ऑर्डर ऑफ ए इक्वल टू ऑर्डर ऑफ बी, बट नॉट कन्वर्स, कि अगर ऑर्डर इक्वल है तो वो कॉन्जुगेट भी होंगे, नहीं जरूरी नहीं, बट नॉट कन्वर्स, ठीक है। बढ़िया, बहुत अच्छे। लास्ट हमारे पास एक चीज आ रही है, अगर मान लो तुम्हें कॉन्जुगेट क्लासेस का ऑर्डर निकालना है तो वो किसके इक्वल होता है, ऑर्डर ऑफ जी मतलब ग्रुप का ऑर्डर अपॉन में नॉर्मलाइजर का ऑर्डर, ए की कॉन्जुगेट क्लासेस ग्रुप का ऑर्डर डिवाइडेड बाय कॉन्जुगेट नॉर्मलाइजर का ऑर्डर। इसका प्रूफ भी है जो कि बहुत शानदार था, लेकिन मैं नहीं लिखवा पा रहा हूं। तो ये जो क्लास इक्वेशन है यार, इसके मैं अभी सिर्फ मैं तुम्हें बता के जाना चाहूंगा कि ये एग्जांपल हम नेक्स्ट लेक्चर में करने वाले हैं। क्लास इक्वेशन क्या होती है, बस मैं तुम्हें इसका एक हिंट दे के जाना चाहूंगा जो हम नेक्स्ट लेक्चर में करने वाले हैं। सबसे पहला एस थ्री, ये नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगा क्योंकि इसमें कैलकुलेशन है, आज अभी मैं एग्जाम्पल्स नहीं ज्यादा ले रहा हूं, ठीक है, थ्योरेटिकल सब्जेक्ट पढ़ा रहा हूं ऐसे समझ लो। ए थ्री, एस फोर, ए फोर, एस फाइव, यही इंपॉर्टेंट है, इनके अलावा कोई इंपॉर्टेंट नहीं होंगे। फिर हमारे पास है ए फाइव, ए फाइव के बाद हमारे पास है एस सिक्स, ए सिक्स, उसके बाद हमारे पास है नाइन, नॉन अबेलियन, नॉन अबेलियन, इनके मुझे क्लास इक्वेशंस लिख के दिखानी है, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आ जाती है। नॉन अबेलियन ऑफ ऑर्डर पी क्यूब, पी क्या है, प्राइम नंबर, और लास्ट मेरे पास है नॉन अबेलियन, नॉन अबेलियन ऑफ ऑर्डर टू पी, ऑफ ऑर्डर टू पी, ठीक है, इस चीज का ध्यान रखना। ये सारी मुझे चीजें नेक्स्ट लेक्चर में करानी है,
क्वेश्चंस की फॉर्म में, ठीक है। अभी के लिए मैं कॉन्जुगेट क्लासेस नहीं लिख के दिखा रहा हूं तुम्हें, लिख लिया? चलो वीडियो को बैक कर लेना अगर थोड़ी दिक्कत हो रही हो तो। नेक्स्ट है हमारे पास क्लासेस, डायहेड्रल ग्रुप की भी मुझे तुम्हें लिख के दिखानी, ठीक है, ये भी नोट कर लो, क्लास ऑफ डायहेड्रल ग्रुप। ग्रुप इसमें दो चीजें मैं तुम्हें कराऊंगा, एक इवन के लिए और एक ऑड के लिए, ठीक है। इवन मतलब एन अगर डी एन में एन अगर इक्वल हो 2m के और यहां पे एन इक्वल हो 2m प्लस 1 के, तो अलग अलग इसके लिए क्लासेस लिख के दिखाने वाला हूं, इस चीज का ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट हमारे पास आता है एक बहुत बड़ा सेगमेंट, नॉर्मल एंड क्वेश्चेंट ग्रुप। नेक्स्ट सेगमेंट पे हम पहुंच चुके हैं, नॉर्मल एंड क्वेश्चेंट ग्रुप। इसकी जितनी पॉसिबल प्रॉपर्टीज है मैं सारी लिखवा देता हूं। जो सबसे बड़ा पार्ट होने वाला है हमारे लिए वो रहेगा होमोमॉर्फिज्म एंड आइसोमॉर्फिज्म। तो मेरे को जल्दी जल्दी ये कंप्लीट करके नेक्स्ट उस पे आना है और नेक्स्ट पार्ट हमारा वही रहने वाला है, ठीक है। इसमें हमारे पास क्या होता है, नॉर्मल ग्रुप क्या होता है भैया हमारे पास, मान लो एच एक सब ग्रुप, एच एक सब ग्रुप, एच इज अ सब ग्रुप ऑफ जी, इट इज कॉल्ड नॉर्मल, इज कॉल्ड नॉर्मल इफ एक्स बिलोंग्स टू जी। अगर एक एलिमेंट ले लें G से, then for all H belongs to H, for all H belongs to H, such that X H X inverse belongs to H। ऐसा अगर हमारे पास हो गया तो normal group होता है। या फिर तुम दूसरी definition ले लो। और भैया इसका use कहाँ से आएगा ये definition का? ये तो आपने अभी थोड़ी देर पहले भी हमें ऐसी चीज बताई थी जब आप सब ग्रुप की बात कर रहे थे, आपने कहा था ऐसा एग्जाम्पल याद रखो exactly। तो ये नॉर्मल ग्रुप में इस डेफिनेशन की जगह तुम दूसरी डेफिनेशन याद रखो जो मैं बताने वाला हूं। एच इज नॉर्मल सब ग्रुप, नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ जी इफ एंड ओनली इफ, अभी मैंने कोसेट पढ़ाए थे ना, अगर लेफ्ट कोसेट इक्वल टू राइट कोसेट हो जाए तो तब हमारे पास वो नॉर्मल सब ग्रुप हो जाएगा, ठीक है, ये चीज का ध्यान रखना। तो लेफ्ट कोसेट इक्वल टू राइट कोसेट हो जाए, लेफ्ट कोसेट राइट कोसेट, तो फिर हम उसको नॉर्मल सब ग्रुप कहेंगे, ठीक है। नॉर्मल की बहुत सारी प्रॉपर्टीज होती है, ढेर प्रॉपर्टी, जब मैं होमोमॉर्फिज्म आइसोमॉर्फिज्म कराऊंगा या फिर जब मैं क्वेश्चेंट ग्रुप अभी नेक्स्ट कराने वाला हूं एक मिनट में, तो भी उसमें प्रॉपर्टी यूज होगी इसकी। मान लो जी अबेलियन है, जी इज अबेलियन ग्रुप, देन एवरी सब ग्रुप इज नॉर्मल, इंप्लाइज एवरी सब ग्रुप इज नॉर्मल, बट कन्वर्स नॉट ट्रू, कन्वर्स नॉट ट्रू, कन्वर्स ट्रू नहीं है यार। सारे के सारे अगर मान लो नॉर्मल सब ग्रुप है तो जी अबेलियन होना चाहिए, ऐसा जरूरी नहीं है, लेकिन जी अबेलियन है तो नॉर्मल होगा, ठीक है, इस चीज का ध्यान रखना। एग्जाम्पल मैं दे सकता हूं, Q4 क्यों लिख रहा हूं मैं, Q8 पहले भी बताया था ये एग्जाम्पल तो मैंने, है ना, Q8 सारे के सारे नॉर्मल होंगे, लेकिन साइक्लिक में बताया था मैंने, है ना, नॉर्मल होंगे लेकिन वो खुद बेचारा अबेलियन नहीं है, है ना, IJ इज इक्वल टू माइनस जे आई था, माइनस आ गया था उसमें, ठीक। तो नेक्स्ट पे चलते हैं, मान लो जी साइक्लिक है तो सारे साइक्लिक होंगे, ऐसी ही प्रॉपर्टी, इफ जी इज साइक्लिक इंप्लाइज एवरी सब ग्रुप इज साइक्लिक बट नॉट कन्वर्स, इस चीज का ध्यान रखेंगे, कन्वर्स ट्रू नहीं होता बस इन चीजों में। समझ गए? चल यार, ये प्योर सब्जेक्ट में ना ऐसे ही होता, इतना भैया हमें याद करने की चीजें हैं ना इसमें, इससे बढ़िया तो हम केमिस्ट्री ले लेते। वो पता तुम्हें केमिस्ट्री की वो चीज, वो मतलब इतनी ज्यादा तो नहीं पढ़ी है बट वो कुछ करते ना वो टाइट्रेशन, मतलब तुम तो कमेंट में ज्यादा बता दो कि वो कुछ कुछ करके वो पिंक बनाना होता था, हाँ वही चीज, तो इससे बढ़िया तो भैया वही ले लेते हम, इतना याद करना पड़ रहा है मैथमेटिक्स में, तो अच्छा सब्जेक्ट है अगर तुम पूरा कोर्स लेते 6 महीने का तो। वैसे ये एक ताना था, मैं कोर्स नहीं बेच रहा हूं अभी, ठीक है ना। तो ये हमारे पास क्वेश्चेंट ग्रुप। क्वेश्चेंट ग्रुप क्या होता है? क्वेश्चेंट ग्रुप हमारे पास कुछ ऐसे डिफाइन करते हैं, डेफिनेशन ध्यान से रखना, एच एक नॉर्मल सब ग्रुप होना चाहिए, ठीक है। नॉर्मल मतलब लेफ्ट कोसेट इक्वल टू राइट कोसेट, तो एच इज नॉर्मल सब ग्रुप, नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ जी, देन जी ऑफ एच, मतलब ये अगर मैं ऐसे कुछ एक डिफाइन करूं जी ऑफ एच, भैया ये क्या है, ये हमारे पास एक कोसेट ही है, घबराना नहीं है,
कोसेट ही है, लिखने का तरीका बदल गया बस, ठीक है। दिस इज अ कोसेट वेयर ए बिलोंग्स टू जी। मैं अगर सारे के सारे कोसेट को इकट्ठा कर लूं, ये जो कोशेंट ग्रुप है ना, ये कोसेट का एक ग्रुप है, कोसेट का एक सेट है, ठीक है। अगर मैंने ए एच ले लिया, बी एच ले लिया, सी एच ले लिया, डी एच ले लिया, ऐसे सारे इकट्ठे करके एक सेट बना दिया, उस सेट का नाम होता है कोशेंट सेट। तो कोशेंट सेट से घबराना नहीं है, नोटेशन बड़ी अजीब सी है, लेकिन ये कहना क्या चाह रही है, ये कहना सिर्फ इतना ही चाह रही है कि तुम सारे पॉसिबल कोसेट्स को इकट्ठा कर लो, ठीक है, सारे पॉसिबल कोसेट्स को इकट्ठा कर लो उसी को। और हमें पता है नॉर्मल है, तो इसको मैं ऐसे भी लिख सकता था, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, चाहे तुम लेफ्ट कोसेट ले लो चाहे राइट कोसेट ले लो। और इसमें ऑपरेशन कैसा लगता है, ग्रुप विद ऑपरेशन, विद ऑपरेशन। अगर ए एच को बी एच से मल्टीप्लाई करोगे तो ये आएगा ए बी एच, ये ऑपरेशन इसमें लगता है कोशेंट ग्रुप में, ठीक है। दो कोसेट को मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, ऐसे, ठीक है। ढेर क्वेश्चन लेंगे, घबराना नहीं है। ऑर्डर अगर मैं तुम्हें बताना चाहूं, इसका ऑर्डर ऑफ कोशेंट ग्रुप अगर मैं तुम्हें बताना चाहूं तो ऑर्डर निकाल, नंबर ऑफ कोसेट्स, नंबर ऑफ कोसेट्स ऑफ एच इन जी, ऑर्डर ऑफ जी किसके इक्वल होता है, ऑर्डर ऑफ जी अपॉन ऑर्डर ऑफ एच इफ जी इज फाइनाइट। तो ये वाला फॉर्मूला हम यूज कर सकते हैं, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, पूछ लिया जाता बहुत बार, ठीक है। एक चीज ध्यान रखेंगे, मान लो कभी तुम्हें जेड अपॉन एम जेड दे दे, तो ये आइसोमॉर्फिक होता है जेड एम के। कहा था ना चीजें बीच में आ जाएंगे, आइसोमॉर्फिक होमोमॉर्फिक, इसीलिए कह रहे हैं रुक जाओ थोड़ी देर के लिए, रुक जाओ, जो बता रहे हैं बस लिखते रहो अभी के लिए, थोड़ी थोड़ी चीजें जो बीच में छोड़ रहे हैं उन्हें बस ऐसे ही लिखते जाओ, ठीक है, घबराना नहीं, ये सारी चीजें लिंक हो जाएंगी। नेक्स्ट हमारे पास आ रहा है, अगर मान लो जी अबेलियन है तो उसका कोशेंट ग्रुप भी अबेलियन होगा, जी इज अबेलियन इंप्लाइज जी अपॉन एच इज अबेलियन। और दूसरी प्रॉपर्टी लिख लो, वन वे है, जी इज साइक्लिक देन दिस इज साइक्लिक, इस चीज का ध्यान रखना, नॉट कन्वर्स, नॉट कन्वर्स, इस चीज का थोड़ा सा ध्यान रखो तो भैया फायदा होगा तुम्हारा बहुत। नेक्स्ट हमारे पास आ रहा है, इंपॉर्टेंट चीज है, नेक्स्ट प्रॉपर्टी, जेड ऑफ जी मतलब सेंटर की बात कर रहे हैं, इस सेंटर ऑफ अ ग्रुप देन सेंटर ऑफ जी देन जी अपॉन जेड जी देन नहीं जी अपॉन जेड जी इज साइक्लिक implies G is abelian, G is abelian, इस चीज का ध्यान रखेंगे। अगर ये जो quotient group है हमारे पास, ये quotient group cyclic होता है, तो ये G कैसा होने वाला है, abelian होने वाला है। ये property direct पूछी जाने वाली property है, और इस पर questions भी कराएंगे। And finally we are done with this। अब हमारा एक last sheet रह गई है, last sheet of group theory, देखो कितनी जल्दी खत्म कर लिया हमने, energy खत्म हो गई तुम्हारी, चलो सीधे बैठो, पहले बताएं तुम्हें अभी एनर्जी खत्म हो गई, तुम्हारा भाई नहीं लगा हुआ, ले मैं कौन सा यहां पे प्रोटीन पी गया हूं, वैसे पीने की सोच रहे थे, पिया नहीं। चलो होमोमॉर्फिज्म, लास्ट पार्ट ऑफ दिस डिस्कशन, होमोमॉर्फिज्म, इस पे तो क्वेश्चन होने वाले ना भैया, मजा आ जाएगा तुम्हें क्वेश्चंस करके ना, थोड़ी जगह बना लूं पहले मैं। होमोमॉर्फिज्म, तो लास्ट पार्ट ऑफ दिस सेशन जल्दी लिखते हैं, होमोमॉर्फिज्म। चलो होमोमॉर्फिज्म हमारे पास क्या होता है, इसमें हमारे पास दो ग्रुप्स आ जाएंगे, बस इतना ध्यान रखना, दो ग्रुप्स दो ऑपरेशन, ठीक है। मान लो एक ग्रुप है जिसपे ऑपरेशन है गोला, और एक ग्रुप है जिसपे ऑपरेशन है तारा, गोला तारा, दो हमारे पास ग्रुप हैं। आर ग्रुप्स देन अ मैपिंग, आर ग्रुप्स देन, यार अगर इसमें मैं बहुत ज्यादा डीप जाऊंगा ना तो ये तो सब्जेक्ट भैया 6 महीने का सब्जेक्ट है ये ग्रुप थ्योरी, अगर ढंग से पढ़ना चाहो तो, मतलब एटलीस्ट 40 से 50 दिन का तो है, 6 महीने तो वो एग्जेजरेट करके बोल दिया मैंने, 40 से 50 दिन में अगर लगा के ये टॉपिक तुम पढ़ोगे ना मजा आ जाएगा तुम्हें। लेकिन आज मैं जितनी प्रॉपर्टीज पढ़ाने वाला हूं, अगर उसे तुमने रट लिया, गारंटी दे सकते हैं IIT JAM का एक एक क्वेश्चन प्रीवियस ईयर का कर लोगे, गारंटी
देता है कोई गारंटी? कुकर लेके आओ जरा दुकान से, अगले दिन वापस करने जाओ मुंह बना लेता वो इतना गंदा सा, वापस ले आए बहन जी। चला दा टी एक मैपिंग दे रखी है सच दैट दिस इज ग्रुप होमोमोर्फिज्म। तो कितनी, इसको कहते हैं ग्रुप होमोमोर्फिज्म इफ दो प्रॉपर्टी सेटिस्फाई होने चाहिए। सबसे यही प्रॉपर्टी सेटिस्फाई होनी चाहिए टी ऑफ एक्स वाई, पहले बीच में किसका ऑपरेशन आएगा गोला, और बाद में किसका ऑपरेशन आना चाहिए स्टार तारा, ठीक है। वेयर एक्स वाई बिलोंग्स टू जीवन फॉर ऑल एक्स वाई बिलोंग्स टू जीवन। और ये टी एक्स टी वाई कहां से आएंगे, ये जी टू से आएंगे, ध्यान रखना। अरे वही मैपिंग यार, वो जो बचपन से करते आ रहे हैं मैपिंग ट्वेल्थ क्लास से, और कुछ न्यू थोड़ी है। अब आने वाली मेन चीजें, इंपॉर्टेंट, अब जो चीज आने वाली है इंपॉर्टेंट, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्वेश्चंस कराएंगे और क्लियर होगा। मान लो तुम्हें कभी एग्जाम में ओवर स्मार्ट बन के किसी पर्सन ने पूछ लिया, अच्छा बताना जरा तुम्हारे भैया ने क्या सिखाया, कितनी होमोमोर्फिज्म होती है इसके बीच में, कितनी ऐसी मैपिंग एग्जिस्ट करेंगी बताना जरा, तो बता देते हैं। ये लो नंबर ऑफ होमोमोर्फिज्म, हमारे भैया छुड़वाते थोड़ी है कुछ भी। नंबर ऑफ होमोमोर्फिज्म इज इक्वल टू जीसीडी ऑफ एनएम, खत्म हो गया। ये दे रखा ना, अरे हमें होमोमोर्फिज्म ना कोई वन वन कह रखा ना ऑन टू कह रखा, तो बड़ा हो छोटा हो में कोई लेना देना नहीं है, बड़े छोटे से बस इतना देखना नंबर ऑफ होमोमोर्फिज्म जीसीडी ऑफ एमएन लिया, खत्म हो गया क्वेश्चन। तो ये पहली चीज। दूसरी चीज सुनो, मान लो तुम्हें ऐसे दे दिया वो, और भी ज्यादा वो ओवर स्मार्ट हो जाए, ले बेटे अब करके दिखा दो, अब करियो जरा, दो हमारे भैया ने ये भी सिखाया था, नंबर ऑफ ग्रुप होमोमोर्फिज्म क्या आ जाएगा, जीसीडी ऑफ एम एन प्रोडक्ट ऑफ के एन, लो खत्म हो गया। जीसीडी तो पता है ना क्या होता है, दोनों का ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर, पता लगे यहीं पे बेइज्जती करा के आ गए तुम। तीसरा हमारे पास आएगा लिबिट्टे, अब करके दिखा जरा, एम एन ये वही है वो एक्सटर्नल डायरेक्ट प्रोडक्ट जो मैं कह रहा था, एम एन और के एल, अब निकाल बेटे, अब तो हमारे पास आ गया, यहां है जेड एम क्रॉस जेड एन, जेड के क्रॉस जेड एल, अब करके दिखाइए बेटे, अल्लो ग्रुप होमोमोर्फिज्म, ये आ जाएगा हमारे पास जीसीडी ऑफ, जीसीडी ऑफ एम के, जितने कॉम्बिनेशन हो सकते एम के, जीसीडी ऑफ एम एल, फिर जीसीडी ऑफ एन के, और लास्ट आएगा जीसीडी ऑफ एन एल। लो हमारे पास आ गए नंबर ऑफ होमोमोर्फिज्म, क्या था इसमें, कुछ भी नहीं था, बढ़िया भैया बहुत अच्छे, ये हो गया, हाँ ठीक बढ़िया। अच्छा एक और चीज रह गई, अगर ये इधर होता ये इधर होता, फिर सारे कॉम्बिनेशन करा देंगे, जेड एन जेड एम जेड के, क्या आंसर आने वाला था बताना, आंसर में क्या फर्क पड़ता सोच के बताओ, हमें तो नहीं लग रहा भैया आंसर में कुछ फर्क पड़ने वाला था, हमें तो नहीं लग रहा है कि आंसर में कुछ फर्क पड़ने वाला था, यही सेम आंसर इसका, ठीक है, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, नंबर ऑफ होमोमोर्फिज्म उतनी एग्जिस्ट करती है, बढ़िया बहुत अच्छे। नेक्स्ट लिखो ट्रिवियल होमोमोर्फिज्म क्या होता है, डेफिनेशन लिख लो, ट्रिवियल का उतना ज्यादा अपने पे यूज नहीं आएगा, ट्रिवियल होमोमोर्फिज्म, ट्रिवियल होमोमोर्फिज्म होता है, मान लो तुमने कोई एलिमेंट डाला और आइडेंटिटी वापस आ रही है बार बार, तो उसे ट्रिवियल होमोमोर्फिज्म कह देंगे। तो दूसरा लिख लो ट्रिवियल होमोमोर्फिज्म, यह हमारे पास होगा, मान लो एक मैपिंग दे रहे हैं जी से जी डैश, ठीक है, टी एक्स हमारे पास कोई भी एलिमेंट तुम डाल रहे हो तो ई डैश आ रहा है, ई डैश क्या है आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ जी, ऐसी मैपिंग को हम क्या कहेंगे ट्रिवियल होमोमोर्फिज्म, इज कॉल्ड ट्रिवियल होमोमोर्फिज्म। नेक्स्ट लिखो एपीमोर्फिज्म, 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 ठीक है, शायद मैं वो बैठ के अपने आईपैड पे वीडियो बनाऊं नेक्स्ट वाली क्वेश्चंस वाली, क्योंकि क्वेश्चन प्रेजेंट करने थोड़े मुश्किल हो जाएंगे, इसीलिए मैं आज आके तुम्हें सारे टॉपिक्स लिखवा रहा हूं, ठीक है, उस पर तो ज्यादा एफर्ट नहीं लगता क्वेश्चंस लिखने में, इस चीज का ध्यान रखेंगे, ठीक है।
सो मैं बता रहा था एपिमॉर्फिज्म के बारे में। एपिमॉर्फिज्म में हमारे पास क्या होगा, होमोमॉर्फिज्म तो है ही, साथ में वन वन हो जाए, इसको वन वन होमोमॉर्फिज्म भी कहते हैं। तो एक तो हमारे पास दो कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए, टीज होमोमॉर्फिज्म, जब मैं क्वेश्चन करूंगा तो उसमें दिखाऊंगा कि कैसे प्रूव करते हैं एपिमॉर्फिज्म है या नहीं, और टीज वन वन, ठीक है। इस चीज का वन वन नहीं यार, ओन टू, वन वन नहीं, ओन टू, वन वन वाला दूसरा आएगा। भैया कैसे पता लगेगा कितनी, अब किसी ने हमारे से पूछ लिया एग्जामिनर ने चालाक बन के कि कितनी होमोमॉर्फिज्म एग्जिस्ट करने वाली है जेड एन, जेड एम और जेड एन की, कितनी होमोमॉर्फिज्म एग्जिस्ट करने वाली है? पहले तो याद रखो ओन टू है ना, ओन टू में तुम कब कर पाओगे इसमें होमोमॉर्फिज्म, मतलब ओन टू में ऐसा होता ना ये वाले के सारे एलिमेंट पीछे होने चाहिए, ये चीज तो पता है ना, इसके सारे एलिमेंट्स के लिए प्री इमेज मिलनी चाहिए, ठीक है। तो ये पता थी ये बात, फिर ठीक है। तो इसके लिए एक चीज लिख लो, इफ एन डिवाइड्स एम तभी चीज वैलिड होगी, अगर एन जो है एम को डिवाइड कर रहा है देन नंबर ऑफ ऑन टू होमोमॉर्फिज्म, ऑन टू होमोमॉर्फिज्म इज इक्वल टू फाइव ऑफ एन, ये सिर्फ तभी वैलिड है इफ दिस इज ट्रू। अगर मान लो n m को डिवाइड ही नहीं कर रहा तो वो ऑनटू होमोमॉर्फिज्म ही नहीं होगा, देखते ही कट कर दो, ऑनटू तो है ही नहीं। अगर n m को डिवाइड नहीं कर रहा है तो देखते ही छोड़ दो उसे कि भैया ये तो होगी नहीं, ठीक है। इसके बारे में और भी एक चीज थी, हाँ एक इंपॉर्टेंट चीज है जो नोट में मैं तुम्हें लिखवाना चाहूंगा, इस नोट को मैं तुम्हें बाद में याद दिलाऊंगा कि भैया मैंने क्यों लिखवाया था, ठीक है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट। थोड़ा मैं हिंदी इंग्लिश मिक्स करके लिखवाना चाहूंगा तो ध्यान से लिखना यार मेरी लैंग्वेज में। चलो आ जाओ, ऑन टू होमोमॉर्फिज्म है या नहीं, ऑन टू होमोमॉर्फिज्म है या नहीं, उसे फैक्टर ग्रुप से बताएंगे। फैक्टर ग्रुप मतलब कोशेंट ग्रुप, ठीक है, एक और नाम भी था इसका फैक्टर ग्रुप, ग्रुप ऑफ ऑल कोसेट्स याद आया, से बताते हैं, बताते हैं कि कोई फैक्टर ग्रुप, कोई, इसको सिर्फ याद ही कराना चाहूंगा क्योंकि वर्ड आ जाएगा आइसोमॉर्फिज्म जो कि मैं अभी नहीं बता पाऊंगा, कि कोई फैक्टर ग्रुप, कि कोई फैक्टर ग्रुप कोडोमेन के, कोडोमेन के आइसोमॉर्फिक है या नहीं, बट कितने कितने ऐसे होने वाले हैं ये नहीं हमें पता, बट कितने होंगे, मतलब ऑन टू होमोमॉर्फिज्म निकालने के लिए, मतलब कोई ऑन टू होमोमॉर्फिज्म है या नहीं वो यहां से पता लगेगा फैक्टर ग्रुप से। पहले तुम्हें जो भी यहां पे, अभी तो मैंने Zn ले लिया ना, अगर मान लो कोई और ग्रुप आ गया उन 10 में से फिर क्या करोगे, अगर उन 10 में से कोई और आ गया तो डायरेक्टली बताना बहुत मुश्किल है, उनके फैक्टर ग्रुप ढूंढ लो, ऐसे ढूंढ लो जो उनके आइसोमॉर्फिक हो, आइसोमॉर्फिक मतलब सेम सेम उनके जैसे हो, जैसे अभी मैंने तुम्हें स्टार्टिंग में ऐसे लिखवा था K4 ऐसे ऐसा कुछ ऐसे लिखवा रहा था ना मैं स्टार्टिंग में, वैसी वाली चीजें तुम्हें ढूंढनी पड़ेंगी अब, ठीक है, आइसोमॉर्फिज्म में मतलब सेम सेम होते हैं बस रिप्रेजेंटेशन अलग है। बट कितने होंगे ये बता पाना मुश्किल है, ये बता पाना मुश्किल है, मुश्किल है, उसे तो चेक ही कर लो, चेक ही करना पड़ेगा, वो यहां से नहीं निकाल पाओगे। ये चीज किसके लिए वैलिड है, ये चीज सिर्फ इसके लिए वैलिड है, बाकी ग्रुप आ गए तो उसके लिए अलग मेहनत लगेगी जो कि मेहनत तुमसे कराएंगे नेक्स्ट लेक्चर में। नेक्स्ट लिखो मोनोमॉर्फिज्म, भैया ये कहां से ला रहे हो ना नाम, आप खुद से ही बना रहे हो ना पक्का? नहीं 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 है यार ऐसे नाम, ऐसी बात नहीं, मोनोमॉर्फिज्म जल्दी लिख लो, मजाक नहीं अभी बिल्कुल सीरियस होकर पढ़ रहे हैं आज हम, पहली बात तो सीरियस है हम, मोनोमॉर्फिज्म। अब भैया ये मोनोमॉर्फिज्म क्या होता है, वन वन और होमोमॉर्फिज्म, ठीक है, तो पहले मैंने ऑन टू वाला बताया था ना, तो ये होना चाहिए एक तो होमोमॉर्फिज्म और दूसरा वन वन, तो हमारे पास मोनोमॉर्फिज्म हो जाएगा, ठीक है, बढ़िया भैया, वन वन। नेक्स्ट लिख लो जिसका हमें इतनी देर से इंतजार था,
वो आ चुकी है घड़ी, जिसका नाम है आइसोमोर्फिज्म। आइसोमोर्फिज्म क्या होता है भैया? आइसोमोर्फिज्म हमारे पास होता है, आइसोमोर्फिज्म होगा वन 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 टू दोनों हो गए तो आइसोमोर्फिज्म, मतलब बाइजेक्टिव। ठीक है भैया, बढ़िया। और टी हमारे पास क्या होना चाहिए? होमोमोर्फिज्म। टी हमारे पास होना चाहिए वन वन, टी हमारे पास होना चाहिए ऑन टू, तीनों चीजें वैलिड हुई तो ये आएगा, वरना ये नहीं आने वाला है। ठीक है, नंबर ऑफ आइसोमोर्फिज्म की बात करें तो लिख लो नंबर ऑफ आइसोमोर्फिज्म। इसमें हम डायरेक्टली नहीं बता पाते यार कितने आइसोमोर्फिज्म एग्जिस्ट करते हैं सच्ची में, लेकिन एक ग्रुप के बता सकते हैं जो कि है ZN से ZN, सेम से सेम होना चाहिए। ठीक है, कितने होते हैं इसके? 5 ऑफ N। सिर्फ इसी का ही बता पाएंगे और किसी का नहीं बता पाएंगे हम डायरेक्टली। अब कुछ इसका मैं लिखवाना चाहूंगा नोट, जो कि है लेट G बी अ फाइनाइट अबेलियन ग्रुप ऑफ ऑर्डर N, लेट G बी अ, ये रिजल्ट है डायरेक्ट, इसको प्रूफ भी करेंगे आई होप कि मैं नेक्स्ट उसमें सेशन में ये वाला ले लूं क्वेश्चन भी। लेट जी बी अ फाइनाइट अबेलियन ग्रुप ऑफ ऑर्डर एन, अ मैपिंग टी फ्रॉम जी टू जी, सेम से सेम होनी चाहिए ये ध्यान रखना, डिफाइंड बाय टी ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स की पावर एम इज आइसोमोर्फिज्म। मतलब तुम्हें एग्जाम में क्या आ सकता है, इसकी अलग अलग तुम्हें पावर दे देंगे, बताओ ये आइसोमोर्फिज्म है, बताओ ये आइसोमोर्फिज्म है, बताओ ये आइसोमोर्फिज्म है। उसमें सबसे पहली चीज चेक कर लो, क्या जी हमारे पास अबेलियन है? अबेलियन है तो ये आइसोमोर्फिज्म होगा इफ जीसीडी ऑफ एम एन इज वन, एन क्या है ऑर्डर ऑफ ग्रुप, एम क्या है इसकी पावर, अगर इनका जीसीडी वन होता है तो ये होने वाला है हमारे पास आइसोमोर्फिज्म, वरना नहीं होगा। नेक्स्ट लिख लो, नेक्स्ट हमारे पास एक चीज आ रही है ऑटोमोर्फिज्म, नेक्स्ट हमारे पास है ऑटोमोर्फिज्म, फंडामेंटल थ्योरम भी लिखवाऊंगा। ठीक है, ऑटोमोर्फिज्म, तुम भी सोच के आओगे भैया क्या हो गया आपको, आज तो आप सारा लिखवा के मानोगे, सारी ग्रुप थ्योरी लिखवा दोगे आज आप में दो घंटे में। चलो लिखो, ऑटोमोर्फिज्म होता है अगर सेम ग्रुप से सेम ग्रुप पे ही मैपिंग हो, बाकी सारी कंडीशन फुलफिल हो। होमोमोर्फिज्म वन टू, टी कैसी होनी चाहिए? होमोमोर्फिज्म होनी चाहिए, मतलब टी एक्स वाई इज इक्वल टू टी एक्स टी वाई, ऐसे होनी चाहिए। दूसरा ऑन टू होना चाहिए, तीसरा वन वन होना चाहिए। आइसोमोर्फिज्म में ऐसी कोई कंडीशन नहीं थी, उसमें जी से डी जी डैश था, लेकिन ऑटोमोर्फिज्म में जी से जी होना चाहिए, यह चीज का ध्यान रखना, यह फर्क है इनमें। नंबर ऑफ ऑटोमोर्फिज्म कितने होते हैं? नंबर ऑफ ऑटो मॉर्फिज्म ये होते हैं 5 ऑफ एन। ठीक है, अगर जी से जी में है तो इस चीज का ध्यान रखना। एक हमारे पास चीज आती है इससे अलग, थोड़ा इंक फिल कर लूं, बस एक मिनट दो यार, इंक फिल कर लें फिर करते हैं इसे कंटिन्यू। एक चीज मैं तुम्हें बताना चाहूंगा, एक नोट लिख लो फिर इसकी प्रॉपर्टीज लिखते हैं। ठीक है, सेट ऑफ ऑटोमोर्फिजम्स, मतलब सारे तुमने ऑटोमोर्फिज्म इकट्ठे कर लिए जितने इकट्ठे कर सकते थे, तो इसमें लिख लो नोट, क्योंकि मैं एक चीज लिखवाने वाला हूं, ये कभी कभी एग्जाम में पूछ लेते हैं, विच इज सेट ऑफ ऑटोमोर्फिजम्स ऑफ जी फ्रॉम a group is denoted by a auto of this। इसमें हमारे पास क्या आती है, जितनी भी तुम ऑटोमोर्फिज्म इकट्ठी कर सकते हो वो कर लो। वेयर टी कैसी होनी चाहिए? टी इज ऑटोमोर्फिज्म जी से जी तक, ऑटोमोर्फिज्म जितनी भी तुम ऑटोमोर्फिज्म इकट्ठी कर सकते हो कर लो, उसका एक सेट बनाओगे, उसको हम इससे रिप्रेजेंट करते हैं उसको। ठीक है, इस चीज को ध्यान रखना, ये हमारे पास एक इंपॉर्टेंट बात थी जो बतानी जरूरी थी। दूसरा नोट लिख लो, दूसरा नोट पॉइंट हमारे पास ये आता है कि इफ जी इज फाइनाइट ग्रुप देन दिस इज फाइनाइट, लिख लो, इफ जी इज फाइनाइट देन ऑटोमोर्फिज्म ऑटो जी इज फाइनाइट, इस चीज का ध्यान रखना ऑलवेज।
बट नॉट साइक्लिक। इसमें साइक्लिक जैसा कुछ नहीं होने वाला है। कभी कभी कंफ्यूजन हो जाती है साइक्लिक में। नोट पॉइंट्स अब मैं जो लिखवाने वाला हूं वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इन पे बनेंगे। हर एक नोट पॉइंट पे एक क्वेश्चन बन सकता है, याद रखना। दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक मेरे को जो ग्रुप थ्योरी का लगता है वो आइसोमॉर्फिज्म होता है। ठीक है, लिखो। सबसे पहला है ऑटोमॉर्फिज्म ऑफ SN सिमेट्रिक ग्रुप इज आइसोमॉर्फिक टू SN फॉर ऑल N ग्रेटर देन इक्वल टू 3। दूसरा लिखो, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी। हाँ, अगर मान लो तुम ऑटोमॉर्फिज्म निकालना चाह रहे हो ZP, मतलब वो इंटीजर मॉडल जिससे स्टार्ट किया था आज, ZP अप टू SON N टाइम्स कर रहे हो ZP, एक्सटर्नल डायरेक्ट प्रोडक्ट है ये, ठीक है, N टाइम्स। मैं सारी इंपॉर्टेंट वीडियोस जो हैं ग्रुप थ्योरी की उसको डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, उसको भी देख लेना, ठीक है, जहां भी जरूरत लग रही हो। दिस इज आइसोमॉर्फिक टू GL एन जेड पी। भैया ये आइसोमॉर्फिक का मतलब तो बता दो। आइसोमॉर्फिक का मतलब होता है ग्रुप के नाम अलग अलग हैं लेकिन प्रॉपर्टी सारी सेम है, ठीक है, बस रिप्रेजेंट करने का तरीका अलग अलग है, बाकी सारी चीजें सेम है और कोई फर्क नहीं है इसमें, ठीक है। ये होता है आइसोमॉर्फिज्म। आइसोमॉर्फिज्म का मतलब होता है कि रिप्रेजेंटेशन करने का तरीका अलग अलग हो गया लेकिन ग्रुप में कोई भी फर्क नहीं है, ग्रुप में कोई भी फर्क नहीं। जैसे मैं तुम्हें नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगा, अगर तुम Z2 क्रॉस Z2 लिखते हो तो क्या वो आइसोमॉर्फिक होता है Z4 के? क्या Z4 और Z2 क्रॉस Z2 एक ही बात है भैया? वो मैं तुम्हें नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगा, ठीक है, इस चीज का ध्यान रखना। आगे चलते हैं। यहां तक हो गया। उसके बाद तीसरा पॉइंट लिखो, ऑर्डर ऑफ ऑटोमॉर्फिज्म ऑफ DN डायहेड्रल ग्रुप इज इक्वल टू N टाइम्स phi ऑफ N। ये बढ़िया इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है फॉर N ग्रेटर देन इक्वल टू 3। फोर्थ प्रॉपर्टी लिखो, इस हर एक प्रॉपर्टी पे एक क्वेश्चन कराऊंगा, फिर मत कहना बताया नहीं। ऑटोमॉर्फिज्म अगर तुम लोगे रियल अप टू सोन रियल, तो वो सिमिलर होता है N टाइम्स है, ये याद रखना, सिमिलर होता है GL NR। नेक्स्ट प्रॉपर्टी हमारे पास आती है ऑटोमॉर्फिज्म अगर मतलब ये लेते हो AN का, वेयर N इज ग्रेटर देन इक्वल टू 4। ध्यान रखो ये 4 3, इसी से सारी चीजें होंगी। दिस इज आइसोमॉर्फिक टू SN, बट एक्सेप्ट एन इक्वल टू सिक्स, इसको छोड़ के बाकी सारे। ये क्यों होते हैं नेक्स्ट लेक्चर में जरूर बताएंगे, या फिर मैं अभी बता देता हूं। बट ऑटोमॉर्फिज्म ऑफ A6 इज आइसोमॉर्फिक टू S6 क्रॉस Z2। प्रूफ भी करके दिखाएंगे, इन्हीं पे ही तो क्वेश्चन बनते हैं यार, चाहे तुम नेट के भी क्वेश्चन उठा लो, इन्हीं चीजें पे ही क्वेश्चन बनते हैं। यही चीजें हैं जो हमारे पास जिन पे क्वेश्चन बनेंगे, ठीक है। चलो लिखो आगे, कितने हो गए? 5 हो गए ना, 6। एक चीज आती है हमारे पास इनर ऑटोमॉर्फिज्म। ऑल्दो इस पे आज तक तो कोई क्वेश्चन बना नहीं देखा मैंने, बट फिर भी एक बार लिख लो। इनर ऑटोमॉर्फिज्म को कैसे डिफाइन करते हैं? टी ऑफ ए। और अगर तुम सोच रहे हो ना कि मैं नेक्स्ट लेक्चर में से मिक्स्ड क्वेश्चन लेने वाला हूं, तो ऐसा नहीं होने वाला। अलग अलग पार्ट पे क्वेश्चन लूंगा, 10 क्वेश्चन इसके, 10 इसके, 10 इसके, 10 इसके, 10 इसके, ऐसे लेने वाले क्वेश्चन, ठीक है। ये हमारे पास है, और इसको डिफाइन कैसे करते हैं? डिफाइंड बाय, तो ये इसकी मैपिंग जो है कुछ ऐसे डिफाइन होती है, टी ऑफ ए एक्स इज इक्वल टू ए एक्स ए इनवर्स, कुछ ऐसे डिफाइन होती है वेयर एक्स बिलोंग्स टू जी, ठीक है, इस चीज को ध्यान रखना। एक और नोट पॉइंट लिखवाना चाहूंगा, एवरी इनर ऑटोमॉर्फिज्म इज एन ऑटोमॉर्फिज्म ऑफ जी। एवरी इनर ऑटोमॉर्फिज्म इज ऑटोमॉर्फिज्म ऑफ जी, इस चीज का ध्यान रखें। बस ये हमारे पास कुछ प्रॉपर्टीज थी, इस चीज का ध्यान रखें। और ऑटोमॉर्फिज्म बड़ा होता है इनर ऑटोमॉर्फिज्म से, ये भी एक प्रॉपर्टी है, या नोट में भी डाल सकते हो। 7th पॉइंट लिख लो इसे, 7th पॉइंट, नंबर ऑफ ऑटोमॉर्फिज्म, कभी कभी ये तुम्हें एमसीक्यू में डायरेक्ट हेल्प करेंगे, इज ग्रेटर देन इक्वल टू नंबर ऑफ इनर ऑटोमॉर्फिजम्स। कभी भी तुम्हें किसी एमसीक्यू में दिख रहा हो कि इनर ऑटोमॉर्फिज्म ज्यादा आ रहे हैं और ऑटोमॉर्फिज्म कम आ रहे हैं, तो मतलब तुम्हारा आंसर गलत है, इस चीज का ध्यान रखना।
अगर मान लो तुमने इनर ऑटोमॉर्फिज्म का एक सेट बना लिया तो उसे क्या कहोगे? तो लिख लो सेट ऑफ ऑल इनर ऑटोमॉर्फिज्म ऑफ जी डिफाइंड बाय आई एन एन जी. एक सेट ले लिया हमने, ये हमारे पास एक ग्रुप बनाता है, फॉर्म ग्रुप विद रिस्पेक्ट टू मैपिंग कंपोजिशन, ठीक है. और इसको डिनोट कैसे करेंगे? एक चीज और याद रखो, इनर ऑटोमॉर्फिज्म ऑफ जी इज आइसोमॉर्फिक टू, दिस, ठीक है. लास्ट चीज इस होमोमॉर्फिज्म के बारे में तुम्हें बताना चाहेंगे, जो कि है फंडामेंटल थ्योरम्स ऑफ होमोमॉर्फिज्म. बस होमोमॉर्फिज्म के बारे में इतना कंप्लीट हो जाएगा. दो एक्स्ट्रा चीजें बताएंगे, एक सिंपल ग्रुप और एक चीज तुम्हें बताएंगे सिंपल ग्रुप और क्या बताने वाले थे? साइलो थ्योरम्स डायरेक्टली नहीं है लेकिन फिर भी यूजफुल कभी कभी हो जाती हैं. तो अब लिख लो फंडामेंटल थ्योरम्स ऑन होमोमॉर्फिज्म. फंडामेंटल थ्योरम्स ऑन होमोमॉर्फिज्म, जल्दी लिखते हैं ये वाला, फोन का चार्ज ना खत्म हो जाए, कहीं मैं बोलता रह जाऊं. इफ टी फ्रॉम जी टू जी डैश इज ऑन टू होमोमॉर्फिज्म, याद रखना ये टर्म्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, ठीक है. देन जी और कर्नल ऑफ टी, कर्नल ऑफ टी क्या? वही ट्रिवियल जो मैंने तुम्हें बताया था, ट्रिवियल बताई थी ना, ट्रिवियल होमोमॉर्फिज्म वही है, इज आइसोमॉर्फिक टू जी डैश. अगर तुम G कोशेंट ग्रुप लेते हो कर्नल ऑफ T का ट्रिवियल ग्रुप का, तो वो किसके आइसोमॉर्फिक होगा? G डैश के. सेकंड पार्ट है इसका, सेकंड थ्योरम है, इफ ट्रांसफॉर्मेशन G टू G डैश इज होमोमॉर्फिज्म देन G ऑफ कर्नल ऑफ T इज आइसोमॉर्फिक टू T ऑफ G, या फिर इसको और क्या कह सकते हैं, इमेज ऑफ G, ठीक है. इमेज ऑफ जी क्यों लिख रहे हैं यार, इमेज ऑफ टी, ठीक है. इसके बारे में और डिटेल में बताएंगे. एक चीज याद रखेंगे, कर्नल ऑफ टी नॉर्मल होना चाहिए, क्योंकि क्वेश्चन ग्रुप की डेफिनेशन में मैंने बताया था, इज नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ जी, नॉर्मल होना चाहिए, ठीक है, इस चीज का ध्यान रखना. तो मैं साइड में लिखवा ही देता हूं, वेयर कर्नल ऑफ टी इज एक्स बिलोंग्स टू जी सच दैट टी ऑफ एक्स इक्वल टू आइडेंटिटी. ऑल्दो मैं ट्रिवियल में लिखवा चुका हूं, फिर भी एक बार लिख लो. और इमेज ऑफ टी को भी एक बार डिफाइन करा देता हूं, फिर कहीं बाद में बोलो कराया नहीं भैया आपने. ये हमारे पास है ऐसी सारी ट्रांसफॉर्मेशन इकट्ठी कर लो जिसमें एक्स कहां से आता हो, जी से आता हो. सारी ट्रांसफॉर्मेशन को इकट्ठा कर लो, उसका एक ग्रुप बना दो, उसका एक सेट बना दो, इज सब ग्रुप ऑफ जी डैश. यहां पर जी डैश नहीं है, जी डैश के ये जो चीज है जी डैश के आइसोमॉर्फिक नहीं है, जी डैश के सब ग्रुप के आइसोमॉर्फिक है, जो मैंने अभी बोला है उसको लिख लो. दिस इज नॉट आइसोमॉर्फिक टू जी डैश बट अ सब ग्रुप ऑफ जी डैश. दैट इज इट. लास्ट सिंपल ग्रुप हमारे पास क्या है? अगर ऐसा कोई तुम्हें ग्रुप दिखाई दे है जिसके पास सिर्फ दो ही नॉर्मल सब ग्रुप्स हैं, उसे सिंपल कहते हैं. इफ जी हैज ओनली टू नॉर्मल सब ग्रुप्स देन जी इज सिंपल. बस खत्म भी हो गई. दो नॉर्मल सब ग्रुप होने चाहिए, एग्जैक्टली दो होने चाहिए. बस मैंने ओनली वर्ड लिखी दिया तो बात तो एक ही है, ठीक है, बढ़िया. नेक्स्ट हमारे पास आ रहा है, और एक चीज तो मैंने तुम्हें पहले ही बता दी, दो तो यार होते ही होते हैं. एक तो है आइडेंटिटी एलिमेंट अकेला, और एक जी इटसेल्फ आर टू नॉर्मल सब ग्रुप्स ऑफ जी, मतलब इनके अलावा कोई नहीं होना चाहिए, तो वो सिंपल है, ठीक है. इसके बारे में एक प्रॉपर्टी लिखवाना चाहेंगे, अगर ऑर्डर ऑफ जी प्राइम है इंप्लाइज जी सिंपल. इस पे तो भैया अगर मैं चलना स्टार्ट हुआ तो मॉन्स्टर ग्रुप पे पहुंच जाऊंगा. अब ये मॉन्स्टर ग्रुप क्या होता है, इसको मैं सेपरेट वीडियो में कभी जब कोर्स कंप्लीट हो जाएगा फिर डालूंगा. मॉन्स्टर ग्रुप बहुत फेमस है चीज, एक
ठीक है, बढ़िया, बहुत 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 बढ़िया। नेक्स्ट लिखो कोशिश थ्योरम फॉर फाइनाइट, कोशिश थ्योरम फॉर फाइनाइट अबेलियन ग्रुप, फाइनाइट अबेलियन ग्रुप। ये क्या है, इफ पी डिवाइड्स ऑर्डर ऑफ जी, अगर एक पी एक नंबर है, अगर वो ऑर्डर ऑफ जी को डिफाइन डिवाइड कर रहा है, वैसे मैं ये लिखवा चुका है ना, देन देयर एग्जिस्ट ए नॉट इक्वल टू आइडेंटिटी बिलोंग्स टू जी सच दैट ए रेस्ट पावर पी इक्वल टू ई, वैसे ये मैं लिखवा चुका हूं वो यहां पे, अभी मैं तुम्हें समझा रहा था ना, ए की पावर ऑर्डर ऑफ जी ऐसा कुछ इक्वल टू आइडेंटिटी, अभी समझाया था ना, वहीं से यार, मतलब उसकी जनरलाइजेशन है कोशिश थ्योरम। दूसरी है फॉर फाइनाइट ग्रुप, फॉर फाइनाइट ग्रुप, अब इसमें अबेलियन हो ना हो, एक तो अबेलियन वाली है, एक अबेलियन हो चाहे ना हो, इफ पी डिवाइड्स ऑर्डर ऑफ जी इंप्लाइज जी हैज एलिमेंट सच दैट ए रेस टू पावर पी इक्वल टू आइडेंटिटी, टू वे नहीं है ये। नेक्स्ट है साइलोस थ्योरम, बस इस पर खत्म करते हैं, तीन साइलो थ्योरम है, इनका जो क्वेश्चन है डायरेक्ट मैं कराऊंगा, और ये जो दो कोशी की थ्योरम है ये भी डायरेक्टली सिलेबस में कहीं नहीं हुई है, बट मैंने लिखवा दिया क्योंकि इनसे क्वेश्चन कभी कभी ईजी बन जाते हैं, ठीक है, मतलब ये कोई आउट ऑफ द बॉक्स चीजें नहीं है, और क्वेश्चन वही वाले रहेंगे, थ्योरम्स इनसे ये वाली थ्योरम्स यूज करके हम उनको सॉल्व कर लिया करेंगे। तो पहला लिखो साइलोस फर्स्ट थ्योरम, फर्स्ट थ्योरम, साइलोस फर्स्ट थ्योरम हमारे को क्या कहती है, इफ जी इज फाइनाइट ग्रुप, फाइनाइट ग्रुप, फाइनाइट ग्रुप एंड पी रेस टू पार एन डिवाइड्स ऑर्डर ऑफ जी, इसी की एक्सटेंशन है, देन जी हैज सब ग्रुप, सब ग्रुप ऑफ ऑर्डर पी की पावर एन। भैया ये इतनी पावरफुल थ्योरम है ना, जैसे मान लो तुमने यहां पे 100 लिखा, 2 डिवाइड्स 100, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2 डिवाइड्स 100, 2 की पावर 3 डिवाइड्स 100, नहीं ये दो तो पक्का एग्जिस्ट करने वाले हैं सब ग्रुप, पक्का गारंटी दे रहे हैं ये थ्योरम गारंटी दे रही है कि p की पावर n हमेशा, अगर 100 ऑर्डर का तुम्हारे पास ग्रुप आ गया तो हमेशा उसकी p की पावर n जो है अगर उसको डिवाइड कर रही है तो हमेशा उतने ऑर्डर का सब ग्रुप एग्जिस्ट करेगा ही करेगा। बड़ी पावरफुल थ्योरम है अगर तुम ध्यान से देखो तो। एक नेक्स्ट चीज आती है साइलोस पी सब ग्रुप, इसको पी एस एस जी भी बोलते हैं, लिख लो साइलोस पी सब ग्रुप, पी सब ग्रुप, तो इसको पी एस एस जी भी बोलते हैं। ये हमें क्या कहता है, इफ पी की पावर एन, जैसे मैंने अभी 100 वाला एग्जांपल दिया, 2 की पावर 2 तक डिवाइड कर रहा था, 2 की पावर 3 में दिक्कत आ गई है ना, 2 की पावर 3 में दिक्कत आ गई, तो ये क्या कहती है, इफ पी की पावर एन डिवाइड्स ऑर्डर ऑफ जी बट पी की पावर एन प्लस 1 डज नॉट डिवाइड ऑर्डर ऑफ जी, जैसे अभी हुआ था 2 की पावर 3 डिवाइड, देन जी हैज ऐसे लिख लो, देन पी की पावर एन सब ग्रुप ऑफ पी की पावर एन, सब ग्रुप ऑफ पी की पावर एन इज कॉल्ड, मतलब लास्ट जो पावर बचेगी उसको हम क्या कहते हैं, पी एस एस जी। एक चीज और ध्यान रखना, पी एस एस जी इज यूनिक, ये तभी यूनिक होने वाला है इफ एंड ओनली इफ जी इज नॉर्मल, इंपॉर्टेंट ये हमारे पास चीज है ना, इस पर डायरेक्टली क्वेश्चन तो नहीं बनेंगे लेकिन इनडायरेक्टली इन थ्योरम्स को मैं यूज करके दिखा दूंगा तुम्हें, इनसे क्वेश्चन और इजी बन जाएंगे। सब ग्रुप्स ढूंढने आसान काम थोड़ी है यार, सब ग्रुप्स ढूंढने आसान काम थोड़ी है। नेक्स्ट लिखो साइलोस सेकेंड थ्योरम, साइलोस सेकेंड थ्योरम, ये सारी थ्योरम्स आगे जितनी भी है ना ये सारी उसी पे ही बन रखी है, सब ग्रुप ढूंढने पे, सब ग्रुप ढूंढने बहुत ज्यादा मुश्किल होते हैं। मैं तुम्हें रैंडम कह दूं, डिस्कस करो जरा ग्रुप ऑफ ऑर्डर 45 को डिस्कस करना बैठ के, नहीं कर पाएंगे यार हम। ये क्या लिखा है, साइलोस सेकंड थ्योरम, तो एनी एनी टू पी एस एस जी ऑफ जी आर कॉन्जुगेट, आर कॉन्जुगेट,
मतलब कोई भी दो तुम ले लो, पी की पावर एन का एक ही थोड़ी एग्जिस्ट करेगा। अगर दो एग्जिस्ट कर रहे हैं तो वो दोनों के दोनों कॉन्जुगेट होंगे। कॉन्जुगेट का मतलब है अगर के एंड एच दो हमारे पास पी एस एस जी है, देन के इज इक्वल टू एक्स एच एक्स इनवर्स। कॉन्जुगेट की कंडीशन यही बताई थी। लास्ट लिख लो थर्ड थ्योरम, आज का लास्ट काम थर्ड थ्योरम। थर्ड थ्योरम हमें क्या कहती है, नंबर ऑफ एस एस जी पी एस एस जी इन जी इक्वल टू वन प्लस पी की पावर के सच दैट वन प्लस पी की पावर के डिवाइड्स ऑर्डर ऑफ जी। ये समझ आ रहा है, इतने नंबर ऑफ पी एस एस जी एग्जिस्ट करते हैं किसी भी ग्रुप में। कंडीशन क्या है, तभी एग्जिस्ट करेंगे अगर ये इसको डिवाइड करेगा, वेयर के इज 0, 1, 2 अप टू सोन। तो ये हमारे पास था। और नेक्स्ट हमारे पास आ रहा है तुम्हारा भाई, कंप्लीट हो गया देखो सारा हमने कर लिया। कितने दो घंटे लगे, एग्जैक्ट दो घंटे लगे, पता भी नहीं लगा यार ये तो टाइम। पूरी ग्रुप थ्योरी के सारे कॉन्सेप्ट हमने एक बार रिवाइज कर लिए। नेक्स्ट में अब न्यूमेरिकल्स करेंगे, सॉरी क्वेश्चंस करेंगे, तो और अच्छा क्लियर हो जाएगा हमारा। इस पर ढेर क्वेश्चन बनेंगे। मैक्सिमम पार्ट जिस पे क्वेश्चन बनते हैं वो है आइसोमॉर्फिज्म। आइसोमॉर्फिज्म पे ज्यादा बनते हैं, बट ऐसा नहीं है बाकी पे भी बनते हैं। परम्यूटेशन वाला मैंने नहीं कराया इस वीडियो में। परम्यूटेशन की ग्रुप लिंक डिस्क्रिप्शन में देने वाला हूं। काफी बड़ा हो जाता फिर ये लेक्चर, डेढ़ घंटे का और चला जाता क्योंकि उसमें कॉन्सेप्ट बहुत सारे हैं। उसको मैं क्वेश्चंस तो लूंगा नेक्स्ट लेक्चर में, इसलिए वो पढ़ के आना, ठीक है। पूरी ग्रुप थ्योरी वैसे भी मैंने एक्सप्लेन कर रखी थी। आई होप कि आज का लेक्चर पसंद आया होगा। आज हम ज्यादा बातें नहीं कर पाए, वो तो और किसी लेक्चर में कर लेंगे। आज पढ़ना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट था, बहुत देर से वेट कर रहे थे इस लेक्चर का। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, पढ़ाई करते रहे, इतनी ढेर सारी। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए बाय बाय।